बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, और हाय, वेलकम टू माय वेब डेवलपमेंट सेशन। दिस इज़ वीकली सेशन विच इज़ कंडक्टेड ऑन सैटरडे बिटवीन 3 PM टू 6 PM। दिस सेशन इज़ मेनली इन Urdu or Hindi language, but you are welcome to ask question in English or Punjabi. So, little bit more information. Maybe you are hesitant to join this session because this is mainly in Urdu or Hindi, but don't worry, you can read the content from this website w3schools.com. we are following this website content, and then you can ask any question or query if you feel difficulty understanding or implementing or setting up web development environment on your computer. So I'll continue further session in Urdu or Hindi language. जी, तो हम एक दफ़ा फिर वीकली सेशन ये हमारा स्टार्ट हो गया है, और जैसे कि आपको ये पता है, अगर मेरे आप पिछले सेशंस चेक करते आ रहे हैं, तो इसमें हम कुछ सेक्शंस हैं, सबसे ज़्यादा अहम हमारे लिए क्वेश्चन आंसर्स का सेशन है, तो इसकी प्रायोरिटी पहले नंबर पे है। और अगर आपने पहली दफ़ा इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप ये YouTube की प्लेलिस्ट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शामिल कर दूंगा, तो इसे आप फॉलो करके हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने 3 अक्टूबर को ये सेशन रिकॉर्ड किया था, और बीच में एक हफ्ते रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो इसे हम फिर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हम W3School पर इमोजीज इन HTML ये हमने पढ़ा था। तो इसी तरह मैं साथ में ये टाइम स्टैम्प शामिल कर देता हूँ कि अगर, क्योंकि सेशन रिकॉर्डिंग ये तकरीबन 3 घंटे की होती है, तो बीच में अगर आप सारी चीज़ें नहीं देखना चाहते, तो ये टाइम स्टैम्प की वजह से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं ये है कि साथ साथ यहाँ पे टाइम स्टैम्प को अपडेट करता जाता हूँ। तो अभी हमारा स्टार्ट जो है वो, ये लास्ट टाइम हम कर चुके थे, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ गो थ्रू कर रहा हूं। तो साथ में ये इंफॉर्मेशन वहां पे ये शामिल करता जाऊंगा, ताकि नेक्स्ट फिर आसानी होगी, क्योंकि इसी जो इंफॉर्मेशन को मैं कॉपी करके आगे फिर शामिल कर दूंगा। तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकोडिंग से, और जब ये एंड होगा तो फिर हम यहाँ पे एंड वाला लिंक शामिल कर देंगे। तो अभी एक चंद मिनट्स तो इसी चीज़ में स्पेंड हो जाते हैं कि हमारा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इंग्लिश में, थोड़ा सा उर्दू में। तो तकरीबन 5 मिनट्स पर हमने ये
स्टार्ट करें। तो यहाँ पे हमारे गूगल मीट का लिंक है, ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका जो पेज है उसकी हम करेक्टर सेट मेंशन करते हैं, जो अभी हम HTML5 में करते हैं वो तो हम यूनिकोड यूज़ करते हैं, लेकिन पहले करेक्टर सेट ये पुराने भी इस्तेमाल किए जाते थे। तो जो करेक्टर सेट होते हैं इनमें कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि इस्तेमाल हो सकते हैं। तो जिस तरह ASCII में 1 to 8 करेक्टर्स हैं, फिर हर करेक्टर के कोड हैं, जिस तरह कुछ जो है मुझे वो याद हैं 64 वो A का कोड होता है, उसी तरह जो लोअर केस में यह है उसका 97 कोड है। इस तरह हर करेक्टर को कोड दिया है, और कुछ करेक्टर्स जो हैं वो विजिबल होते हैं और कुछ कंट्रोल करेक्टर्स होते हैं, तो उनके स्पेशल फिर मीनिंग होते हैं, जैसे कंट्रोल की है, शिफ्ट है। तो बहरहाल आपको ये करेक्टर सेट का थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी हम ये करेक्टर सेट जो है वो हम UTF ही यूज़ करते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पे आप मेंशन करते हैं, और अगर आपने इसके अलावा ये कि इंग्लिश के अलावा दूसरी और ज़बानों में अपने पेज पे डिस्प्ले करवाना है कंटेंट, तो तब भी आपको यूनिकोड शामिल करना पड़ेगा। जैसे मैं उर्दू में एक वेबसाइट बनाता हूँ तो तब भी मुझे ये UTF ये मेंशन करना पड़ेगा, वरना ये है कि करेक्टर्स वो नज़र नहीं आएंगे, उनकी जगह कुछ और सिंबल्स अनडिफाइंड जिस तरह करेक्टर्स होते हैं उस तरह की सिंबल्स नज़र आएंगी। तो ये मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं ASCII, NC, और अभी जो हम यूज़ करें वो UTF-8 है। तो कोड 32 है, तो उसका मतलब स्पेस है, जिस तरह मैं आपको बता रहा था। अब ये मुख्तलिफ साइंस के कोड हैं, और गालबन यही 65 था कैपिटल A का, और फिर लोअर का 97 है। ये कोड्स खैर पता होने ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि हमें जो करेक्टर सेट अभी यूज़ करते हैं वो यूनिकोड इस्तेमाल करते हैं। तो किसी जगह ये इस्तेमाल हो सकते हैं, ये सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ASCII में करेक्टर्स जो हैं वो वन टू एट करेक्टर्स हैं, 0 to 7 तक। और NC में भी इतने ही हैं, बल्कि इसमें ज़्यादा हैं, बल्कि ये 256 करेक्टर्स तक हैं। तो ISO स्टैंडर्ड्स के भी वैल्यूज़ हैं। तो अभी जो यूनिकोड हम यूज़ करते हैं, इसमें ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इन्होंने एक चीज़ को किया है कि ये जो पुराने स्टैंडर्ड्स हैं उनको कुछ चीज़ें ये अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे कि इसमें आइडेंटिकल है UTF-8 में भी 0 to 1 to 7 जो ASCII के थे, इन्होंने भी वही रखे हैं और ये चीज़ें इन्होंने की हैं। और अभी UTF में तो ये है कि ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस के ही इसमें करेक्टर आ सकते हैं। तो अगर रेफरेंस आपने देखना है तो ये इस लिंक पे चेक कर सकते हैं, लेकिन रेफरेंसेस हम अमूमन यहाँ पे स्किप करते हैं, सिर्फ जो ये चैप्टर्स हैं इन्हीं को हम फॉलो करते हैं। और रेफरेंस पे तब आने की ज़रूरत पड़ती है जब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई इस तरह का इशू फिर आता है, तो उस वक्त हम रेफरेंसेस में डिटेल्स चेक करते हैं। तो अभी ये चैप्टर है जी URL, तो URL से बनता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स या लोकेटर।
तो इसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ करेक्टर्स ये अलाउ करता है, कुछ करेक्टर्स इस तरह नहीं लिख सकते, उसको इनकोड करके हमें लिखना पड़ता है। तो बेसिकली जो भी इंटरनेट पर कोई रिसोर्स होता है उसका एक यूआरएल होता है, तो वो उसकी इसी की हम एब्रिविएशन लिखते हैं कि यूआरएल, चाहे वो पेज है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई वीडियो है। तो उसमें फुल यूआरएल अगर है तो उसमें पूरा ये प्रोटोकॉल, डोमेन का नाम, आगे फोल्डर, सब फोल्डर्स, और फिर फाइल या रिसोर्स का नाम, पूरा फुल आपका यूज़ होगा। जैसे ये स्कीम है, प्रीफिक्स अगर www है या और कोई सब डोमेन है, पोर्ट भी मेंशन कर सकते हैं पूरा पाथ। तो मेन हम जो यूज़ करते हैं वो अभी तो ज़्यादातर साइट्स जो हैं वो HTTPS इस्तेमाल करती हैं, सिक्योर SSL, लेकिन पुराना हमारे पास HTTP स्कीम थी, प्रोटोकॉल था, और FTP को भी यूज़ किया जा सकता है। और फाइल जो है, अगर आपने अपने कंप्यूटर से कोई चीज़ खोलते हैं तो वो उसमें ये फाइल लिखा हुआ आता है। ये बल्कि हम इसी तरह करते हैं कि अपने जो ये HTML, CSS और JavaScript, ये जो तीन चीज़ें हैं इनकी डेवलपमेंट के लिए आपको कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। टेस्टिंग आपने करनी है तो आप अपने लोकल ब्राउज़र में भी टेस्टिंग कर सकते हैं, चाहे मोबाइल में चाहे कंप्यूटर में। तो आप अपने कंप्यूटर पे फाइल बनाएं, उसको ओपन करें या ओपन विद करें, जो भी आपका ब्राउज़र है उसमें, तो वहाँ पे आपको ऊपर URL में ये फाइल और आगे पूरा उसका पाथ लिखा हुआ आ रहा होगा। तो URL में आपके सिर्फ ASCII करेक्टर्स आ सकते हैं, और जो बाकी करेक्टर्स हैं उनको फिर हमें इनकोड करना पड़ता है। तो कुछ जो करेक्टर्स हैं उनकी स्पेशल मीनिंग है, उनको भी इनकोड करना पड़ता है। जैसे स्पेस जो है वो नहीं हो सकती URL में, तो उसको शामिल करने के लिए प्लस का साइन या ये %20 लिखा जाता है। या जैसे ये गालबन कोई जर्मन करेक्टर है और ये सबमिट करेंगे तो ये वैसे URL में इसको जाना चाहिए। तो हम इसको ट्राई करते हैं, सबमिट। तो चलिए, ये करेक्टर तो ऐसे ही जा रहा है, और ये प्लस का साइन हम देख सकते हैं कि ये इसमें आ रहा है स्पेस की बजाय। और ये रिसीव इस तरह हो रही है, वो जो जी के बाद करेक्टर है स्पेशल, उसके यहाँ पे कोड जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ करेक्टर्स की इनकोडिंग दी हुई है। वैसे हम इसमें अमूमन इस्तेमाल करते हैं, अगर PHP है तो उसका एक फंक्शन है, वो इस्तेमाल कर लेते हैं इनकोडिंग के लिए। और वैसे अगर ये सबमिट आप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको ये कन्वर्ट करता है, स्पेसेस की जगह प्लस आ जाएगा और बाकी इनकोडिंग वो ऑटोमेटिकली हो जाती है, और डिकोडिंग भी हो जाती है। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। तो HTML और XHTML का क्या आपस में रिलेशन है, या क्या इनका आपस में डिफरेंसेस हैं? तो XHTML जो है वो XML बेस्ड है, मेन इसमें डिफरेंस यही है। तो XHTML जो है वो स्ट्रिक्टर है, इसमें आपको ज़्यादा चीज़ों का वो ख्याल करना पड़ता है, जैसे क्लोजिंग टैग है। तो HTML में अगर आप स्किप भी कर देते हैं तो काम चलता है और वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है। तो ये अभी HTML5 प्रोटोकॉल चल रहा है, उससे स्टैंडर्ड जो है HTML5 चल रहा है, और पहले उससे ये XHTML चल रहा था, और उससे पहले फिर सिंपल HTML4 वगैरह था। तो
HTML के साथ इसका डिफरेंस ये है कि डॉक टाइप मेंशन इसमें लाजमी करते हैं, और ये XML NS ये मेंशन करते हैं। बाकी ये वाले टैग जो हैं वही हैं जो हम HTML में यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सारे इस्तेमाल करने लाजमी हैं। और नेस्टिंग प्रॉपर करनी है, चीज़ें मिक्सअप नहीं कर सकते, जैसे कि एक टैग अगर स्टार्ट हुआ है तो उसके अंदर अगर चाइल्ड टैग है तो वो पहले चाइल्ड टैग क्लोज होगा फिर पेरेंट टैग क्लोज होगा। और क्लोज आपने सब टैग्स करने हैं, लोअर केस में इस्तेमाल करना है, जबकि HTML में आप अपर केस लोअर केस दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और एट्रीब्यूट लोअर केस में होगा, एट्रीब्यूट की वैल्यूज जो हैं वो कोटेशन के अंदर होंगी, तो HTML में हम स्किप भी कर लेते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेशन ये की जाती है कि कोटेशन के अंदर लिखी जाए, बल्कि अगर स्पेस हो तो फिर तो लाजमी कोटेशन के अंदर ही लिखना चाहिए। और एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन इज फॉरबिडन। तो ये फिर हम देखेंगे चीज़ें कुछ, जैसे कि यहाँ पे ये एक एग्जांपल है डॉक टाइप HTML, जो हमारा HTML 5 है वहाँ पे हम सिर्फ यहाँ तक लिखते हैं और ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे फिर इसकी ये इसकी डेफिनेशन उसका वर्जन मेंशन किया जाता है और इसकी लिंक भी दिया जाता है जहाँ पे ये डेफिनेशंस पड़ी हुई हैं। बाकी तकरीबन वैसे ही नॉर्मल HTML की तरह ही चीज़ें हैं। तो नेस्टिंग में जैसे ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है, ये बल्कि मैं ऊपर बता भी चुका हूँ, तो इसमें ये नहीं है कि पहले क्लोज कर दें बी को और बाद में आई को, तो यहाँ पे जैसे अगर ये हम कोड अगर HTML में लिखें तो ये फिर भी चल जाएगा, तो क्लोज कहते हैं कि लाजमी करना चाहिए। तो अब जो एम्प्टी एलिमेंट है ये बोलते हैं जिसमें आपके क्लोजिंग टैग नहीं होता या डाटा नहीं होता, तो उसको फिर मिनिमाइज करके इस तरह स्लैश डाल दी जाती है। तो HTML 5 में हम ये स्लैश भी नहीं डालते, सिर्फ इसको सिंगल ही लिख देते हैं, जैसे ये बी आर और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, लेकिन HTML में ये आपको इसी तरह स्लैश भी लाजमी डालना है। बहरहाल ये तो अपर केस लोअर केस का बात हो चुकी है, ये एट्रीब्यूट्स की वैल्यू हैं, HTML 5 में ऐसे हो सकता है, XHTML में नहीं हो सकता। और यहाँ पे एट्रीब्यूट की वैल्यू को कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे कोटेशन के बगैर लिखा हुआ है। तो ऊपर जो बात हो रही थी एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन, तो इसमें हम HTML 5 में ऐसे ही करते हैं, जैसे चेक बॉक्स है वो चेक्ड है, तो सिर्फ एट्रीब्यूट का नाम हम लिख देते हैं और वो चेक्ड हो जाता है, लेकिन XHTML में आपको चेक्ड इज इक्वल टू चेक्ड ये इस तरह मस्ट लिखना है। इस तरह अगर इनपुट है वो डिसेबल्ड आप चाहते हैं कि वो शो हो लेकिन उसमें डाटा एंटर ना किया जा सके, तो डिसेबल्ड लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ डिसेबल्ड हम लिखेंगे तो तब भी HTML 5 में चल जाएगा। तो WC3 जो है, जो कि एक इदारा है जो ये HTML से रिलेटेड सारी चीज़ें ये करता है, वैलिडेटर इनका है, तो हम इसको पेजेस को वैलिडेट भी कर सकते हैं। तो अब इस पेज को ये वैलिडेशन के लिए भेजा है, और हम ये देख सकते हैं कि ऊपर जो URL है ये w3.org है,
तो ये ऑर्गेनाइजेशन है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, HTML से रिलेटेड जो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक बता रहा है कि कोई भी एरर नहीं है। तो इनमें से जो ऊपर सारी चीज़ें मेंशन हुई हैं, इनमें से कोई भी चीज़ मिस होती तो ये फिर एरर्स की लिस्ट शो कर देता। तो अभी हम देख सकते हैं कि ये हमने इसका मेन जो ट्यूटोरियल का हिस्सा था, मेजर पार्ट हम कर चुके हैं। और इसमें है तो ये HTML से रिलेटेड था, लेकिन इसमें और भी चीज़ें इन्होंने जैसे कि CSS, JavaScript, इस तरह काफ़ी सारी और चीज़ें भी इसमें मेंशन की हैं। जैसे XHTML अब ये आ गई है, हालांकि इसकी उस तरह ज़रूरी नहीं थी, लेकिन ये अब पुराने अगर आपको कोई कोड खोलना पड़ता है या रिक्वायरमेंट ऐसी आ जाती है प्रोजेक्ट की, तो आपने XHTML में ही काम करना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आगे अब आ जाते हैं, इसमें थोड़े एडवांस या स्पेशल टॉपिक्स आ जाते हैं, तो इनको हम फॉलो करते हैं। और ये इंटरेस्टिंग थोड़ा सा इसलिए भी है कि आपकी जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती है उसमें आपकी ये फॉर्म जो है बहुत ज़्यादा इसका इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कि आपके सबमिट करते हैं वैल्यूज़, वो आगे फिर आप सर्वर लैंग्वेज कोई भी इस्तेमाल करते हैं, तो हम जैसे कि PHP करते हैं, करेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें फिर आप वो या तो वैल्यूज़ आप उसको प्रोसेस करते हैं या डिस्प्ले करा देते हैं या फिर डेटाबेस में सेव करवा देते हैं। तो अमूमन यही हमारा प्रोसेस होता है, और ये चीज़ें बार बार होती हैं। फॉर्म आपका डिस्प्ले हुआ, फिर वैल्यूज़ फिल हुई, सबमिट हुआ और फिर उसको प्रोसेस किया। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आपने वेब एप्लीकेशन बनानी है तो आपकी जो ये वाली चीज़ें ऐसे हैं कि इसमें आपने देखा होगा कि इसमें हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं देखी हैं, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आपको रेफरेंस की। तो उसमें हम ये है कि रेफरेंसेस चेक नहीं, अभी इसमें चेक नहीं किया, लेकिन जब प्रोजेक्ट बेस पे ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम उसमें डिटेल के साथ रेफरेंस भी चेक करते हैं, जैसे टैग्स के एट्रीब्यूट कौन से हैं, इवेंट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो ऑन डिमांड बेसिस फिर हमें डिटेल में उसको चेक करना चाहिए। तो ये ज़्यादा आपको तवज्जो से करना चाहिए चैप्टर ख़ास तौर पर। तो इसको हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आपकी अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी है तो उसमें भी ये फॉर्म की अहमियत है, क्योंकि आपको डाटा इनपुट लेनी है यूज़र से और GUI के साथ लेनी है। तो दिलचस्प बात यह है कि जो आपकी वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती हैं उसमें भी ये जो GUI के एलिमेंट्स हैं ये ऑलमोस्ट वही हैं, जैसे कि इनपुट के लिए ये टेक्स्ट बॉक्स होता है, रेडियो बटन्स हैं, ऑप्शंस हैं, चेक बॉक्सेस हैं, ड्रॉप डाउन्स हैं। तो ऑलमोस्ट ये बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे ही हैं जैसे आप नॉर्मल एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फॉर्म, ये गालबन हमने ऊपर भी पढ़े हैं ये चैप्टर्स में, लेकिन यहाँ पे ज़रा ये ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये इसका एक एट्रीब्यूट है और इसमें हम मेंशन करते हैं कि ये फॉर्म कहाँ पे सबमिट होगा। और ये हम देख सकते हैं कि इन्होंने PHP के पेज का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक हमारे पास इनपुट ये है और इसका नाम है एफ नेम। तो ID हम अमूमन ये हमारी साथ में सेम हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं, जो नाम आपका सबमिट होके आगे जाता है वो ये चीज़ जाती है। और ID हम इसलिए बनाते हैं कि अगर आपने JavaScript के साथ कुछ एक्टिविटी करनी है, फॉर्म वैलिडेशन है या कुछ भी, तो फिर वहाँ पे ये ID इस्तेमाल होती है। तो ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन अमूमन सेम ही रखी जाती हैं। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी इसको दे दी है। और दूसरी हमारे पास इनपुट है, इसका नाम है लास्ट नेम, उसका नाम था फर्स्ट नेम, और फिर आखिर में सबमिट बटन है। तो अभी इसको हम सबमिट करके देखते हैं। तो ये देखें, अगर तो ये वैल्यूज़ वहाँ पे रिसीव हुई हैं, एफ नेम में जॉन और लास्ट नेम में डो। अगर हम इसको एडिट करके कुछ और लिखते तो वही चीज़ें चली जाती। तो बाकी हम ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे PHP में, इसको भी हम क्लोज़ कर देते हैं।
तो फॉर्म के लिए ये आपका फॉर्म टॉप लेवल पे ही होता है, टैग स्टार्ट होता है और ये फॉर्म क्लोज, और बाकी आपके एलिमेंट्स इसमें होते हैं, इनपुट्स होते हैं और लेबल्स भी साथ हो सकते हैं इनपुट से रिलेटेड, वो शो करवाने के लिए कि कौन किस चीज़ की आप इनपुट ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनपुट की टाइप्स हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इनपुट अगर आप कोई भी वैल्यू इसको टाइप में ना दें तो ये टेक्स्ट टाइप होती है। फिर आगे रेडियो, चेक बॉक्स, सबमिट बटन, ये सारी टाइप्स भी हैं। और अब यहाँ पे जैसे कि ये इसका चैप्टर का लिंक दिया गया है, ये हम पहले ही इसको पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे इसमें क्या खास बात है, नोट दैट द फॉर्म इटसेल्फ इज नॉट विजिबल। अच्छा, बहरहाल इसमें दो बातें बता रहे हैं, फॉर्म जो है ये टैग तो सारी बातें नज़र नहीं आएगा, और बाय डिफॉल्ट विथ जो है ये 20 करेक्टर्स ले रहा है। तो लेबल आपका टैग जो है ये इनपुट के साथ लिंक अप हो जाता है, और आईडी जो है वो इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इसमें एक और चीज़ भी अच्छी है, मैं अगर बताऊँ, अगर इस पे देखें, मैं लेबल के ऊपर अगर क्लिक करूँ ना, ये लेबल साथ इसमें आईडी और ये मेंशन करने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप लेबल के ऊपर क्लिक करें तो कंट्रोल के इनपुट के अंदर कंट्रोल खुद ब खुद चला जाता है, वैसे इसके ऊपर क्लिक करें तो तभी होगा। तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा आपका होता है जब रेडियो बटन्स हों, वहाँ पे आपके जो लेबल्स हैं उस पर क्लिक करें तो वो रेडियो बटन सेलेक्ट हो जाता है, तो इसलिए लेबल साथ इस्तेमाल करने चाहिए प्रॉपर। और लेबल इसके अलावा आपके जो दूसरे यूज़र हैं जो स्क्रीन रीडर इस्तेमाल करते हैं उनको भी इसमें फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू वो स्क्रीन रीडर इसको लाउडली उसको पढ़ता है तो दूसरे लोग जो स्क्रीन रीडर इस्तेमाल करें उनको फ़ायदा हो जाता है। बल्कि ये चीज़ यहाँ पे भी ये भी लिखी हुई है, क्लिक द टेक्स्ट विद इन द लेबल इट टॉगल्स द रेडियो और चेक बॉक्स। तो फॉर के एट्रीब्यूट में आपने उसकी आईडी देनी होती है इनपुट की। तो यहाँ पे हम अब रेडियो बटन्स देखते हैं, तो फॉर्म स्टार्ट हुआ, इनपुट हमने वैल्यू दी, नेम इसका सेम रखना होता है क्योंकि वैल्यू एक ही जाती है, यानी कि यहाँ पे हमारे ये एक जाएगा, वैल्यू सबमिट जब होगी तो जेंडर की जाएगी और उसमें वैल्यू जोन से भी सिलेक्ट हुई हुई वो जाएगी। जैसे अगर हमने फीमेल पे क्लिक किया है तो जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो जेंडर का जो वेरिएबल बनेगा एक, उसमें वैल्यू फीमेल जा रही होगी, जैसे कि वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इसमें ये भी हो सकता है कि डिस्प्ले में आपने कुछ और लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे डिस्प्ले में कैपिटल में मेल लिखा हुआ है जबकि एक्चुअल वैल्यू जो है वो लोअर केस में जा रही है। तो इसमें हम देख सकते हैं रेडियो बटन के यही एडवांटेज है कि ये इसमें से एक ही सिलेक्ट हो सकता है। तो अगर आपके पेज पे एक से ज़्यादा रेडियो बटन है तो फिर आप उसको नाम, फिर आप उसका मसलन किसी वजह से हमें दो ये फील्ड्स देने की ज़रूरत पड़ गई है, जैसे कि बिलफरज पर्सन वन पर्सन टू, उसकी जेंडर लेनी है तो फिर हमें पर्सन टू की जेंडर के लिए यहाँ पे ये वेरिएबल एक और बनाना पड़ लीजिएगा।
यहाँ पे इसको भी मैं टू टू कर दूँ वरना वो क्लिक से गलत सिलेक्शन होगी। और आईडी टू, और यहाँ पे भी आईडी टू। मेरे ख्याल में मैंने ठीक कर दिया है। यहाँ पे अगर बी आर भी इस्तेमाल कर लेता तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। नेक्स्ट लाइन पे बल्कि दो दफ़ा इस्तेमाल कर दूँ, एक लाइन के बीच में गैप आ जाए। तो यहाँ पे अगर मैं मेंशन कर दूँ वन और फिर हमें ये इनकी ज़रूरत नहीं है, परसेंट टू, क्योंकि हेडिंग्स की अपनी स्पेसिंग, बीच में पैडिंग मार्जिन्स वगैरह होते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अब ये सिलेक्शन प्रॉपर हो रही है। और अगर मैं यहाँ पे ये आईडी, इसकी लेबल की आईडी जानबूझ के वही वाली रहने देता हूँ तो फिर इसको काम सही तरह नहीं करना चाहिए, बल्कि ये ऊपर वाला, क्योंकि आईडी मेल उसकी है तो ये वहाँ इस पर क्लिक होगी और वहाँ पे सिलेक्शन होगी। तो इसलिए ये प्रॉपर यहाँ पे आईडीज देने की ज़रूरत है। और यहाँ पे क्या चीज़ मेरे दिन में आई थी, और पहले जब ये फॉर्म, अगर नीचे बटन हम बनाते हैं सबमिट का और सबमिट करते हैं तो दो वेरिएबल्स जाएंगे, एक जेंडर के नाम से जाएगा और एक जेंडर टू। तो जो यहाँ पे हमने वैल्यू सेलेक्ट की होगी वो वैल्यू जाएगी, जैसे कि ये लोअर केस में फ़ीमेल, और यहाँ पे अगर हमने अदर किया है तो ये जेंडर टू में वैल्यू अदर जाएगी, ये भी लोअर केस में। इसको हम क्लोज करते हैं। इसी तरह जब आपने मल्टीपल वैल्यूज़ में से एक लेनी होती है तो उसमें एक तो हम ये रेडियो बटन से कंट्रोल इस चीज़ को कर सकते हैं, दूसरा हम ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बना सकते हैं। और सिलेक्शन अगर एक से ज़्यादा है तो फिर आप ये चेक बॉक्सेस इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर हॉबीज़ की लिस्ट है तो वहाँ पर टिक करना है, और जैसे कि ये एग्जाम्पल है, और यहाँ पर जौन जौन सी चीज़ें ये बंदे के पास हैं ये आप चेक और अनचेक इनको कर सकते हैं। तो इसका तरीकाकार क्या है, यहाँ पे टाइप में आपने चेक बॉक्स लिखना है, थोड़ी सी मैं ये स्पेसिंग दे देता हूँ, और ये लेबल वाला काम वैसे ही है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जितने ये आपके चेक बॉक्सेज हैं उतने आपने अलग अलग नाम इस्तेमाल करने हैं, जैसे व्हीकल वन, व्हीकल टू, व्हीकल थ्री, और वैल्यूज़ आपने जो भी आप चाहते हैं कि जब सबमिट फॉर्म हो तो वैल्यू जाए। तो यहाँ पे ये ऐसे ही टाइटल केस में वैल्यू जाएगी, और इसी तरह ये आईडी आपने बनाई है, और लेबल में इसकी फॉर के एट्रीब्यूट में यही वैल्यू देनी है। और यहाँ पे जैसे क्लिक कर रहे हैं और चेक अनचेक हो रहा है, और मिसाल के तौर पर ये दो चीज़ें मैं बल्कि बाइक और बोट सबमिट करता हूँ तो ये वहाँ पे सर्वर पे ये रिसीव होगी, व्हीकल वन बाइक, व्हीकल थ्री बोट। तो इसमें एक और काम भी किया जाता है कि नाम एक ही दे दिया जाता है तो उसमें रे सर्वर पे सेंड हो जाती है। तो हम ये एक दफ़ा करके देखते हैं कि इसमें भी ऐसे ही होता है कि नहीं। तो यहाँ पे तो खैर व्हीकल और ये इसी तरह जा रहा है, लेकिन जब सर्वर पे रिसीव होगी तो वहाँ पे ये एक रे की फॉर्म में रिसीव होगी, यानी कि वेरिएबल आपका ये व्हीकल होगा और उसके फिर आगे दो एलिमेंट्स होंगे, एक में बाइक और एक में बोट आ रही होगी वैल्यू। तो हम आगे चलते हैं। तो सबमिट बटन आपका इसमें अहम होता है कि फिर, क्योंकि यहीं पे क्लिक करते हैं तो आप सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि नॉर्मल बटन बनाएं
या लिंक बनाएं और जावास्क्रिप्ट के जरिए भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसकी टाइप आपने सबमिट लिखनी है और वैल्यू में जो भी आपने सबमिट लिखना है या सेंड लिखना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो वैल्यूज ये सर्वर पे जा रही हैं। तो सर्वर प्रोसेसिंग हम इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो पीएचपी में करेंगे। तो इनपुट के अंदर एट्रीब्यूट नेम सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि यही इस नेम के साथ एक वेरिएबल बनता है और ये सर्वर पे वैल्यू जाती है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो वो फिर वैल्यू भी नहीं जाएगी। जैसे कि यहाँ पे इनपुट बनाई है, उसकी आईडी दी है, वैल्यू दी है, नाम नहीं दिया है, तो सबमिट करेंगे तो वहाँ पे नहीं, वैल्यू कुछ भी नहीं गया। तो अगर ये चाहते हैं यहाँ पे आप इसकी वैल्यू जाए सबमिट की, तो इसको भी आप बेच सकते हैं। फिर ये इस खाली बटन की वैल्यू गई है। तो आगे हम इसमें टेस्ट करते हैं, टेस्ट योरसेल्फ विद एक्सरसाइज। तो इन द फॉर्म बिलो एड एन इनपुट फील्ड विद टाइप बटन एंड वैल्यू ओके। तो हमें पता है कि एट्रीब्यूट का नाम तो इनपुट ही होगा और टाइप में हमें मेंशन करना पड़ेगा, एट्रीब्यूट एक टाइप हमें लिखनी पड़ेगी और उसमें मेंशन करना पड़ेगा बटन और एक वैल्यू एट्रीब्यूट बनाना पड़ेगा और उसमें लिखना पड़ेगा ओके। तो सबमिट करते हैं, देखते हैं अगर ये सही है या गलत है। तो ये दुरुस्त है, तो गलत हो तो फिर आप ये कि दोबारा ये चैप्टर को रिवाइज करें, देखें, गलती हो भी सकती है। तो फॉर्म में एट्रीब्यूट्स को भी हम देखते हैं। अभी तो हमने चंद एट्रीब्यूट्स देखे हैं, आईडी, नेम, वैल्यू। और फॉर्म के अंदर हमने एक एट्रीब्यूट देखा है एक्शन के नाम से, और यहाँ पे हम आपको जहाँ पे आप सर्वर पे भेजना चाह रहे हैं वहाँ पे आप या तो आप पूरा पाथ देख के लिखेंगे, फोल्डर्स अगर सब फोल्डर्स हैं वो सारा स्ट्रक्चर उस तरह भी लिख सकते हैं, यानी रिलेटिव पाथ दे सकते हैं या एब्सोल्यूट पाथ भी दे सकते हैं। तो अगर उसी फोल्डर के अंदर आपकी फ़ाइल है सर्वर की पीएचपी फाइल मसलन, तो फिर आप सिर्फ फाइल का नाम दे देंगे। तो यहाँ पे आप ये इन्होंने स्लैश के साथ दिया है, तो इसका मतलब ये है कि सर्वर के रूट पे पड़ी हुई है ये फाइल, और ये वाली जो फाइल है ये कहीं भी पड़ी हो सकती है। तो इस एग्जांपल को हम देखते हैं, इसमें मेरे ख्याल कोई ख़ास चीज़ नई नहीं है, ऑलमोस्ट वही चीज़ें इसमें रिपीट हुई हैं। और एक्शन अगर हम छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली वो करंट पेज पे ही सेंड ये कर देगा वैल्यूज। मसलन अगर यहाँ पे हम ख़त्म कर दें तो ये सही तरह शायद प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि कोड भी साथ चाहिए आपको। ये अगर इसी पेज पे ये सबमिट करता है वैल्यूज तो फिर उसमें कोड भी होना चाहिए सर्वर प्रोसेसिंग का। सही है, ये फिर इसके ऊपर सबमिट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे एक हम लिंक के अंदर इसमें टारगेट एट्रीब्यूट होता है, और यहाँ पे भी हम टारगेट एट्रीब्यूट मेंशन कर सकते हैं कि जैसे कि
And we have to display the response that is received after submitting the form. Rules have one of the following, जैसे कि हम जो link का target attribute बनाते हैं उसमें भी तकरीबन मेरे ख्याल यही values होती हैं. Frame name भी उसमें होता है. अमूमन हम ये blank की value इस्तेमाल करते हैं अगर हम नई tab या window में खुलना हो link को तो. और by default self होते हैं करंट विंडो को रिप्रेजेंट करने के लिए. इसको हम टेस्ट करते हैं और यहाँ पे उन्होंने ब्लैंक लिखा है तो इसका मतलब है सबमिट करेंगे तो एक नई टैब खुल जाएगी. ऑलमोस्ट जैसे लिंक में हम यूज़ करते हैं वैसे ही है टारगेट यहाँ पे फॉर्म के साथ भी. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेथड यहाँ पे फॉर्म के एट्रीब्यूट एक मेथड के नाम से, ये भी हमारे पास दो मेथड हम यूज़ करते हैं एक गेट और पोस्ट. तो बाय डिफ़ॉल्ट गेट मेथड होता है और पोस्ट के साथ भी भेज सकते हैं. गेट मेथड बाय डिफ़ॉल्ट होता है अगर मेंशन नहीं करते तो. ये जैसे कि गेट मेथड से वैल्यूज़ गई हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऊपर यूआरएल में ये वैल्यूज़ नहीं गई हैं. तो गेट और पोस्ट का एक मेन डिफरेंस यही था, यही है कि गेट में आपकी वैल्यूज़ ऊपर यूआरएल में जाती हैं जबकि पोस्ट में वैल्यूज़ तो सर्वर में दोनों सूरतों में जाती हैं लेकिन URL में पोस्ट मेथड के इस्तेमाल करने से नहीं जाते. जैसे कि यहाँ पे URL सिंपल है और यहाँ पे URL में वैल्यूज़ हैं और देख सकते हैं कि जो सर्वर पे रिसीव हुई है इनपुट वो दोनों सेम ही हैं. तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है आप गेट मेथड यूज़ करना है या पोस्ट. वैसे सेमेंटिक अगर मीनिंग देखें तो इसमें गेट जो है सर्वर से कोई रिसोर्सेज गेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और पोस्ट अमूमन नई कोई वैल्यू आपने रिकॉर्ड ऐड करना है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है. ये उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप APIs को एक्सेस कर रहे होते हैं तो उसमें ये ऐसे ही अमूमन होता है. लेकिन यहाँ पर तो हम दोनों मेथड्स को यूज़ करते हुए सर्वर पे डाटा ही भेज रहे हैं. तो गेट में अपेंड्स द फॉर्म डाटा टू यूआरएल और ये पेयर्स के साथ इनका होता है. शुरू में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और फिर ये पेयर्स होंगे नेम इक्वल टू वैल्यू. और इसमें फिर अहम चीज़ है कि ये सिक्योरिटी के हिसाब से ये अच्छा नहीं है क्योंकि ये यूआरएल में नज़र आती हैं वैल्यूज़. पासवर्ड या कोई सेंसिटिव डाटा कोड कोई भेज रहे हैं आप यूआरएल में और अगर आपके साथ कोई बंदा बैठा हुआ है वो यूआरएल देख के उसको नोट कर सकता है और बाद में मिसयूज़ भी किया जा सकता है. और लिमिट इसकी करेक्टर्स की लिमिट है और मेरे ख्याल में जो ब्राउज़र्स हैं उनमें अमूमन ये लिमिट इससे ज़्यादा होती है. और इसकी अच्छी बात यह है कि गेट मेथड की कि ये क्योंकि यूआरएल में अपेंड हो जाता है तो आप यूज़र उसको बुकमार्क भी कर सकता है. जैसे आप एक साइट पे जाते हैं लाइब्रेरी की साइट है और वहाँ पे आप एक कैटेगरी है उसमें से रीड कर रहे हैं क्लिक करते हैं आप कैटेगरी के नेम पे तो वो कैटेगरी अगर यूआरएल में ऊपर आ जाती है कैट इज़ इक्वल टू वन इसको आप बुकमार्क कर लेंगे तो आप इसको दोबारा बगैर फिर उस कैटेगरी पे क्लिक किए डायरेक्ट भी इसको एक्सेस कर सकते हैं कैटेगरी को. तो क्यूरी स्ट्रिंग लंबी भी हो सकती है अगर एक आध वैल्यू हो तो वो तो आप चलें खुद से भी लिख सकते हैं लेकिन बुकमार्क आप कर रहे हैं अगर लंबी सर क्यूरी स्ट्रिंग है तो फिर उसमें ये एक सहूलत है. तो हम ये देखते हैं गूगल में भी सर्च करें तो क्यूरी स्ट्रिंग आपको नज़र आती है ऊपर यूआरएल में. जैसे मैं गूगल की साइट पे यहाँ पे अपनी साइट को सर्च करता हूँ ई साइट
तो ऊपर यूआरएल में आप देखें काफ़ी लंबी चौड़ी स्ट्रिंग क्यूरी स्ट्रिंग बन गई है। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और पोस्ट में यूआरएल में नहीं आपका जाता, लेकिन बॉडी के साथ उसके रिक्वेस्ट में ये डाटा तो जाता है। और इसमें साइज़ लिमिट भी नहीं है और इसको बुकमार्क भी नहीं कर सकते, ये फिर इसका डिसएडवांटेज है। पर्सनल और सेंसिटिव डाटा के लिए पोस्ट को यूज़ करें, और जो इस तरह का नहीं है उसमें आप गेट बेशक यूज़ कर लें। तो अगर आप ऑटो कंप्लीट की वैल्यू फॉर्म में शामिल कर देते हैं तो फिर जो पुराने फॉर्म आपने सबमिट किए हैं उनकी वैल्यूज़ दोबारा इस्तेमाल हो सकती हैं। तो अभी हम इसमें जैसे कि इसको चेक करते हैं कि सबमिट इसको करके देखते हैं। अब बल्कि वैल्यूज़ जैसे यहाँ पे ये पिछली वैल्यू इसमें आ रही है और यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ मैं अमूमन जो वैल्यूज़ लिखता हूँ। अभी आप अगर माइक बंद कर दें तो अगर कोई सवाल है तो फिर आप सवाल पूछ सकते हैं, वरना ये एक माइक को म्यूट कर दें तो ज़्यादा फिर बेहतर होगा। गेमिंग जोन, तो इसमें आपको चले मैं ये बताता चलूँ कि हमारा जो सेशन है इसमें सबसे ज़्यादा हमारे लिए तरजीह हमारी ये होती है कि क्वेश्चन आंसर्स का सेशन हो। तो अभी हमें ज्वाइन किया है गेमिंग जोन ने, अगर तो आपका ये वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो अभी हमारा ये सेशन चल रहा है, या आपने पुरानी अगर कोई वीडियो देखी है उसके हवाले से कोई क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं, या वैसे जनरली भी आप कोई भी क्वेश्चन आईटी के हवाले से पूछ सकते हैं, या आईटी के अलावा भी अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारी तरजीह इसी बात की है कि हमारा ये क्वेश्चन आंसर्स का सेशन हो, इसी मकसद के लिए ये सेशन स्टार्ट किया था। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम ये अपना जो कोर्स है एक इसको हम फॉलो कर रहे हैं, और इसमें हम ये HTML ट्यूटोरियल्स इससे स्टार्ट किया है, फिर इंशाल्लाह CSS, JavaScript, PHP और मुमकिन है बाद में और चीज़ें भी करें। तो इसमें भी हम HTML का जो मेन कोर्स का हिस्सा है ये हम सारा गो थ्रू कर चुके हैं, और आप हमारे ये प्लेलिस्ट है YouTube पे उस पे ये पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की भी डिस्क्रिप्शन में हम ये शामिल कर देंगे, और ये वीडियो भी इंशाल्लाह YouTube पर अपलोड हो जाएगी। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये अभी वैल्यूज़ शो कर रहा है जो पुरानी है। तो अगर हम इसको ऑफ करते हैं और फिर इसको रन करते हैं तो फिर ये वैल्यूज़ नज़र नहीं आनी चाहिए। तो उस हिसाब से ये अच्छा फीचर है, इसको ऑन होना चाहिए। तो इसको हम देखते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरे ख्याल है ऑन होता है जी। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और तो वैलिडेशन के हवाले से एक एट्रीब्यूट है नो वैलिडेट। वैसे नॉर्मली तो यह है कि हम वैलिडेशन करते हैं, और अगर वैलिडेशन नहीं करनी तो फिर हम इसको ऐसे भी सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि अभी जैसे मैं सबमिट करता हूँ कोई ABC लिख के, गलत वैल्यू लिख के, यानी कि तो ये इसको सबमिट कर रहा है। तो अगर मैं इसको हटा दूं, जो नॉर्मल प्रैक्टिस है वो तो ये है कि आप वैलिडेशन की जाए। जैसे मैं ABC लिख के सबमिट करता हूं तो ये मुझे कहता है कि यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस डालना है, क्योंकि हमने जो इनपुट की टाइप है वो ईमेल दी है, तो यहाँ पे फिर ईमेल ही आपको इंसर्ट करनी चाहिए। हालांकि हमने यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड नहीं लिखा हुआ है, एक इसमें एट्रीब्यूट होता है रिक्वायर्ड, उसमें तो ये है कि फिर आप इसको स्किप नहीं कर सकते। जैसे अभी मैं इसको अभी अगर वैल्यू फिल नहीं करता और सबमिट करता हूँ तो ये उसको करने देगा सबमिट, लेकिन यहाँ पे अगर मैं
एक एट्रीब्यूट है रिक्वायर्ड, तो इसको मैं सबमिट करता हूँ। इसमें मैं तो मुझे ये कहता है कि आप इसको पहले फिल करें, तो इसकी वैसे ज़रूरत कम ही पड़ सकती है, वैलिडेशन तो होनी चाहिए, लेकिन सिचुएशन पे डिपेंड करता है। या तो फिर ये कि आप इसमें टाइप जो है वो ईमेल की जगह आप टैक्सी लिखें ताकि वो वैलिडेशन के करे नहीं, लेकिन अगर आप प्रॉपर उसकी टाइप यूज़ कर रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, तो फिर आपको उसमें फील्ड में नंबर ही देना है। URL अगर आप यहाँ पे टाइप उसकी मेंशन कर देते हैं तो फिर आपने URL देना है। अगर URL नहीं होगा तो फिर वो कंप्लेन करेगा कि वैलिडेशन की। तो टेस्टिंग करते हैं अपनी, एक्सरसाइज आ गई है, एक्सरसाइज इस हिसाब से अच्छी है कि आपको पता लगता है कि कितनी आपकी लर्निंग हुई है। ट्राई करें, मैं भी ट्राई करूँगा, आपके सामने गलत भी हो सकती है, गलत हो तो चैप्टर को रिवाइज़ करें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एड a submit button and specify that the form should go to action, और यहाँ पे हमें पता है कि action के लिए हमारा ये attribute action के नाम से है। हाँ, चीज़ तो सिंपल सी है, लेकिन ये MCQ अगर आ जाए एक बंदे को फॉर्म के ये कंसेप्ट का पता ही नहीं है HTML में, तो वो इसको उसके लिए मुश्किल होगा, या मुमकिन है वो तुक्का लगाए कि एक्शन ही होगा नाम। तो और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या चीज़ है कि ऐड ए सबमिट बटन इस पे दैट फॉर्म शुड गो टू। तो यहाँ पे अभी हम इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट लिखा और ऐड ए सबमिट बटन। तो इसको हम सबमिट करते हैं और देखते हैं कि जवाब इसका कैसा है। जवाब ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि इसमें फॉर्म के जो और पॉसिबल एट्रीब्यूट्स हैं उनकी लिस्ट है। तो वैसे तो हम HTML पे टॉप लेवल पे करेक्टर सेट मेंशन करते हैं तो वो पूरे ही पेज के लिए होता है, तो यहाँ पे आप अलग से फॉर्म के लिए भी करेक्टर सेट मेंशन कर सकते हैं। एक्शन के एट्रीब्यूट हम पढ़ चुके हैं, ऑटो कंप्लीट का हम पढ़ चुके हैं, तो ये इनक्रिप्ट टाइप हम पढ़ेंगे ख़ास तौर पे इसमें जब हमें फाइल्स अपलोड करनी होती हैं तो उसमें हमें ये इनक्रिप्ट टाइप मेंशन करना पड़ता है, और इसकी मेथड जो है वो पोस्ट होना चाहिए। तो मेथड हम देख चुके हैं कि एक पोस्ट और गेट मेथड है। तो नेम एट्रीब्यूट आप यूज़ कर सकते हैं और आईडी एट्रीब्यूट भी, अगर आपके फॉर्म एक से ज़्यादा फॉर्म अगर पेज के ऊपर हैं तो। नो वैलिडेट का हम चेक कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले।
जी कोई सवाल आपके है? जी आपके कोई अपना तारुफ करवा दें अगर गेमिंग जोन के नाम से आपकी आईडी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माज है और ये गेमिंग जोन तो मैंने मतलब यूट्यूब चैनल है तो इस वजह से किया हुआ है। अच्छा वालेकुम सर अस्सलाम। मैं ये सीखना चाहता हूँ ये तेरे शुरू से किस तरह मतलब ये होगा। इसमें ऐसे है कि हम ये जो रिकॉर्डिंग अभी कर रहे हैं ना, इसकी हम YouTube पे वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो अभी मैं अच्छा इधर कमेंट्स में इसके हमारे एक YouTube पे प्लेलिस्ट है, अगर आप पहली वीडियो से शुरू करना चाहते हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं। मैं अभी इसका लिंक जो है वो आपके इधर कमेंट्स जो इसी में ये यहीं पे शामिल कर देता हूँ। तो वैसे ही है कि आप जी हमारे जो लिंक्स ये इसमें हम शेयर करते हैं ना व्हाट्सएप ग्रुप में भी या फेसबुक में भी, उसमें भी हम इसके लिंक आपको किधर न किधर ये नज़र आ जाएगा ना। ये जो प्लेलिस्ट है ना, ये वैसे मैंने अभी ये कमेंट्स में यहीं पे डाल दिया ना, आप इस पर क्लिक करके ना खोल सकते हैं। तो इसको आप फिर पहले चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। मेन तो हम ये है कि ये यहीं पे ये W3 स्कूल्स वेबसाइट है, इस पे ये कोर्स हम इसको फॉलो कर रहे हैं। तो आप शुरू करें इनका नाम लेके, बाकी जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है आप सवाल पूछें और फिर आपकी इसमें बेहतरी हो सकती है। ठीक है अच्छा माज सर, हर सैटरडे को ये 3 से 6 बजे तक जी, ये हफ्तावार प्रोग्राम होता है हमारा। अभी हमारे ये 3 से 6 टाइमिंग है, लेकिन अगले हफ्ते से मैं सोच रहा हूँ इसको टाइम जो है ना वो हफ्ते वाले दिन रात 10 से 12 बजे तक 2 घंटे का टाइम कर देना। अच्छा वो टाइमिंग भी सही है, वैसे भी वीकेंड होता है। जी मुझे और बंदों ने भी, काफ़ी सारे बंदों ने यही कहा है कि आप इसका टाइम लेट कर दें फिर आसानी होगी, वरना ये दिन के वक्त मुश्किल होता है ज्वाइन करना। सारे क्वेश्चन अगर इसके रिलेटेड हो तो वो हम इसमें कर सकें इस सेशन। बात समझ नहीं आई आपकी? जी जी बिल्कुल, तो बस इंशाल्लाह मैं YouTube से आपके ये सारे पिछले वीडियोस जो हैं वो देखूंगा। जी ठीक है, बिल्कुल आप चेक करें और कोई भी सवाल हो आप अपने पास नोट कर लें, फिर आप ये सवाल पूछ सकते हैं। क्योंकि ये एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है ना, सर आप ये कर इतना वो कहें कि आप आसान, हाँ बिल्कुल ये क्योंकि टाइम निकाल के आप बैठें कोर्स सुने पढ़ें या अप्लाई करें चीज़ें, फिर जिसमें क्यूरीज हैं वहाँ पे फिर आप सवाल पूछें। क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर बंदे ना अच्छा शुरू करते हैं लेकिन वो कहीं पे फंस जाते हैं, उससे आगे फिर वो नहीं करते। तो मेरा जो ये सेशन रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि आप जहाँ पे स्टक होते हैं, जहाँ पे रुक जाते हैं, वो आप सवाल करके पूछें, वो फिर आपका एक रुकावट ख़त्म होगी, दूसरी ख़त्म होगी। तो वक्त के साथ साथ ये है कि आप कि ये सीखना और ज़्यादा आसान होता जाएगा क्योंकि आपको चीज़ें आती जाएंगी। हाँ बिल्कुल ये बात तो है। अच्छा तो आप ये आमिर शहजाद भाई जो हैं, जी आमिर मेरा शहजाद आप ही हैं? जी जी मेरा नाम है आमिर शहजाद। अच्छा, तो आप जो अभी लाइव सेशन कर रहे हैं तो बाकी जो आपके साथ ज्वाइन है तो वो तो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, बाकी कितने ज्वाइन हैं लाइव लाइव सेशन में? सेशन में अभी और कोई ज्वाइन नहीं है, तो अच्छा कभी ये कोई ज़्यादा सर होते हैं नहीं है। ज्वाइन कभी नहीं होते ज्वाइन। तो जब ज्वाइन होते हैं तो फिर हमारी कोशिश होती है कि वो सवाल पूछें, ज़्यादा टाइम फिर उनको देते हैं। अगर ज्वाइन नहीं करते तो फिर हम ये कोर्स वर्क जो है इसको शुरू कर देते हैं। फिर इसमें हमने 2-3 सेक्शन बनाए हुए हैं। इब्तिदा पहला हमारा यही होता है कि हम ये कोर्स के करते हैं, फिर बाद में हम और IT की कोई चीज़ है उसको डिस्कस करते हैं, और भी बीच में इरादा है इसमें सेक्शन शामिल करने का। लेकिन ये है कि पहला नंबर यही है कि अगर कोई क्वेश्चन आंसर करता है हमें, उस चीज़ का पहला नंबर है। जी ठीक है,
सही है। आईटी के रिलेटेड मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब ये मोबाइल हम यूज करते हैं ना, जी तो ये है हम किस तरह मतलब अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं ताकि कोई और हमारा डेटा वगैरह ना ले, ये हैकिंग वगैरह से रिलेटेड। इसमें मैं आपको थोड़ी सी कुछ टिप्स देता हूँ। उसमें पहली टिप तो ये है कि आप गैर ज़रूरी जो एप्स हैं ना वो इंस्टॉल ना करें, जो आपकी ज़रूरी है ना, जैसे ये फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, यहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर कोई एबीसी नाम से कोई ऐप है उसको इंस्टॉल आप कर रहे हैं तो फ़ौरन आप ना करें, उसकी तहकीक करें, रिव्यूज़ पढ़ें। तो बाज़ इस तरह की ऐप्स जो हैं वो आपकी हैकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि जब भी आपको कोई लिंक भेजा जाए, चाहे व्हाट्सएप में, चाहे फेसबुक पे, चाहे ईमेल में, तो कोशिश करें कि उसको सोच समझ के क्लिक करें। यानी अगर तो ओपन वो ज़रूरी है, जैसे कि आपने किसी एक साइट पे जाके आईडी बनाते हैं तो उनका होता है कि उसको वैलिडेट करने के लिए वो कहते हैं कि वो लिंक भेजेंगे, आपको उस पर क्लिक करें, तो उसकी हद तक तो ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई एक बंदा भेजता है ईमेल कि ये फेसबुक पे एक नई मेरी तस्वीर अपलोड हुई है उस पर क्लिक करें, तो इस बात का फिर इम्कान है कि वो आपकी आईडी हैक करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा बस ये दो अच्छा ये चीज़ें, दो दो चीज़ें ये ज़्यादा ख्याल करें तो उम्मीद है बचत होगी। यानी अगर आपने यूट्यूब पे जाना है या फेसबुक पे जाना है तो ईमेल में या किसी मैसेज में लिंक जो है उस पर क्लिक करने के बजाय खुद आप नई टैब खोलें और वहाँ पे अपने हाथ से टाइप करके लिखें, बजाय इसके कि जो उसने लिंक भेजा है ना बंदे ने कि ये मेरी नई तस्वीर आई है उसको क्लिक करें, उसके बजाय वेबसाइट अपने हाथों से खुद टाइप करके लिखें और उसमें फिर उस बंदे के मैसेज तक देख लें, ब्राउज कर लें, तो ऐन मुमकिन है उस बंदे ने आपको मैसेज ही ना भेजा हो। फेसबुक पे ना अच्छा जैसे वो कह रहा है ना उसे तस्वीर कोई अपलोड की हुई है बड़ी ज़बरदस्त है ये वो, उस तरह वो पता है आपको थोड़े से कहानी बनाते हैं ना कि बंदा क्लिक करे किस तरीके से। अच्छा सही हो गया। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा था ये ना तो दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ है मैं कॉल अगर आपको करते हैं ना, जिस तरह बैंक की आजकल ये काफ़ी फ्रॉड हो रहा है कि आपको बैंक के नाम से कॉल की जाती है, या कोई भी बंदा कॉल करता है और आपसे कोई डिटेल मांगता है कि कोई कोड आएगा आपको मोबाइल पे वो शेयर कर दें बड़ी मेहरबानी होगी, वह इस तरह की करते हैं, वो कभी भी इस तरह की चीज़ें शेयर ना करें, वो हो सकता है आपका अकाउंट खाली अच्छा कर दिया जाए। अच्छा हाँ बिल्कुल फ्राड वगैरह होते हैं बैंक में, ये स्कैमर वगैरह करते हैं कि आप लोग मुझे अपना पासवर्ड बता दो, ये करो जी बिल्कुल ऐसे ही है। करो। और इसके अलावा आप क्या क्या चीजें ऑफर कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट के साथ साथ लैंग्वेजेस? नहीं आपके सवाल समझ नहीं आया, सॉरी। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि ये आप जो ने सेशन शुरू किया हुआ है ना और ये डेवलपमेंट है, जी तो ये वेब डेवलपमेंट है या इसके अलावा भी कुछ है? मेन तो देखिए ये वेब डेवलपमेंट ही है, मेरे जो अपना इंटरेस्ट है या शौक है वो प्रोग्रामिंग की तरफ है, तो इसको अगर आप समझें ना कि बैकएंड प्रोग्रामिंग इसको कहा जाता है, मेन मेरा मकसद वो है। लेकिन क्योंकि उसमें ये वेब डेवलपमेंट जब आप करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसमें ये HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सारे फ्रंट एंड से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं इसमें डेवलपमेंट, तो फिर ये भी हमें चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि आप फुल डेवलपर तो वेब डेवलपर तभी बन सकते हैं ना, आपको बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों दोनों के मतलब आपको मालूमात हो। अच्छा मतलब मुझे किसी चीज में इतना पता नहीं है, तो मैं सबसे पहले ये लैंग्वेज सीखूंगा HTML की। जी आप सबसे पहले यही जो इस जो वेबसाइट है ना ये w3schools.com, इस पे आप आएँ, जो HTML का यहाँ पे लिखा होगा इसको आप शुरू करें पहले से। W3 स्कूल। जी w3schools.com, और फिर आप साथ साथ अगर टाइम है तो आप वो वीडियोस मेरी चेक करें, पहली वीडियो से चेक करना शुरू करें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत बेसिक जो चीज़ें हैं ना वो भी बताई हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोग हैं वो इस पे फील्ड में आना चाहते हैं, ये प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, तो उसको मैंने कोशिश की है कि काफ़ी आसान अल्फाज में बताऊं। जी जी
आप अच्छा शुरू करें इसमें, कहीं पे आप ब्रेक लगती है तो बताएं फिर सवाल। इंशाल्लाह मैं आपसे सवाल पूछूंगा अगर रोजाना ये हफ्तावार सेशन में। मैं अभी स्टार्ट नहीं किया ना, इंशाल्लाह स्टार्ट जी जी ठीक है, आप करूंगा बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप करें। अभी ये कि थोड़ी देर के आज से। ये लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं? जी, ये सेशन फ्री है, और अभी ये थोड़ी देर के लिए ये नमाज की ब्रेक होगी, तो इसको मैं अभी फिर थोड़ी देर के लिए क्लोज अच्छा कर फ्री दूंगा है। जी। ये रिकॉर्डिंग भी मैं रोक दूंगा, तो आपने अच्छा अगर सेशन ये सुनना है तो फिर आप तकरीबन 10-15 मिनट के बाद फिर ज्वाइन कर लें, या फिर मौजूद रहना चाहते हैं तो तब भी ठीक है। ठीक मैं ये किसका माइक बंद कर नहीं दूंगा बस मैं जो है वैसे भी नहीं है, जी, ठीक बस है, देखता हूँ ये मैं देख। क्योंकि ये साथ साथ हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, जो जो सारी बातचीत हुई है ना, ये साथ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे, ये सॉफ्टवेयर है ना, ये हमारी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, ठीक फिर इसी की हम वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, तो जो लोग सेशन नहीं ज्वाइन कर सकते वो फिर बाद में वीडियो देख सुन के उसे सीख सकते हैं। ठीक है, फिर मैं अभी बंद कर रहा हूँ कॉल, अभी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, या कॉल मेरे ख्याल है रहे नहीं हो गया। जी, मैं माइक बस बंद कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग भी मैं थोड़ी देर के लिए। वेलकम बैक, और यहाँ पर हम फॉर्म के एट्रीब्यूट चेक कर रहे थे, और इसमें एक REL के नाम से एट्रीब्यूट था, और एट्रीब्यूट है, इसका मकसद होता है कि रिलेशनशिप जो आपका फॉर्म नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है जिधर जा रहा है उसके साथ इसका रिलेशनशिप क्या है। तो ये इसके हमने डिटेल्स पे क्लिक किया, वैसे ये सारे जो लिंक्स हैं ये इसके रेफरेंस लिंक हैं, तो अमूमन मैं क्लिक नहीं करता इनके रेफरेंस लिंक पे, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, वो मैं समझता हूँ तब आपको वहाँ पे जाना चाहिए, उतनी ज़्यादा मालूमात होनी चाहिए जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करें और आपको पता नहीं चल रही इसमें कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कौन से इवेंट्स हैं वगैरह, इस तरह की चीज़ें। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसके बारे में मैं खुद इतना श्योर नहीं था, तो इसके लिए मैंने इसको नई टैब में ओपन किया है, तो यहाँ पे फॉर्म का रिलेशनशिप आप नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के साथ बता रहे हैं कि वो एक्सटर्नल साइट है या हेल्प डॉक्यूमेंट है, लाइसेंस का लिंक है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, नो फॉलो, यानी इस तरह ये चंद वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, ये आप दे सकते हैं। मैं खुद इसको इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेंशन किया हुआ है तो मैं बता रहा हूँ। तो इस पे हम आगे जाते हैं, फॉर्म एलिमेंट्स। तो अभी जो हमने अभी तक पढ़े हैं वो हमने मेन इनपुट का टैग पढ़ा है, और इसमें टाइप के साथ हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ दे के इस्तेमाल कर सकते हैं, और लेबल भी हमने पढ़ा है। तो उसके अलावा हमारे पास ये और भी टैग्स हैं, तो इसमें हम देखते हैं, इनपुट टैग तो हम कर चुके हैं, इसमें कोई ख़ास बात नई बात नहीं है, इसलिए इसको मैं स्किप ही करता हूँ। और लेबल भी हम यूज़ कर चुके हैं, और लेबल ये लिंक अप होता है आपका इनपुट के साथ, उसकी आईडी की बेस पे, और लेबल फॉर एक उसमें एट्रीब्यूट है उसके साथ लिंक अप करते हैं। बाकी आपसे मैं बात कर रहा था जो कि हम एक तो आपने मल्टीपल वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट लेनी है, तो उसमें एक तो हम ऑप्शन एक तो हम ये ड्रॉप डाउन मेन्यू यूज़ कर सकते हैं, और इससे पहले ये रेडियो बटन के साथ हम इनपुट ले सकते हैं, तो जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है ये भी यही काम कर रहा होता है। इसमें यह है कि आपको स्पेस कम चाहिए और क्लिक करने से वैल्यूज़ बाकी नज़र आ जाती हैं, जबकि रेडियो बटन में आपको उस बाकी सब वैल्यूज़ सामने ही दिखानी पड़ती हैं, और उसके टाइटल के साथ जो भी लेबल लगा हुआ है उसके साथ क्लिक करके आप चूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करनी पड़ती हैं। तो आपकी ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि स्पेस अगर है तो फिर तो बेशक आप रेडियो बटन इस्तेमाल करें, और अगर स्पेस नहीं है तो फिर आप ये ड्रॉप डाउन इस्तेमाल करें।
तो इसका हम थोड़ा सा सिंटेक्स देखते हैं इसमें। बाकी तो फॉर्म वगैरह वैसे ही है, और ये लेबल इसके लिए इस्तेमाल किया। तो फिर हमारे पास ये सेलेक्ट का टैग है, सेलेक्ट, और इसके अंदर फिर ऑप्शंस हैं। तो मेन आपका टैग ये है, इसीलिए यहाँ पे हमने इसको नेम दिया है, और यही वैल्यू वेरिएबल आगे जाएगा, और इनमें से जो वैल्यू उसमें सेव होगी उस वक्त, जैसे कि यहाँ पे अभी ये पहली वैल्यू है, अभी दूसरी है, तो जब सबमिट होगा तो वो वैल्यू आगे चली जाएगी। तो फिर ऑप्शन में आप देखेंगे इसमें आपका ऑप्शन का टैग है, और इसमें वैल्यू आपने देनी है, और फिर इसको क्लोज करना है। तो इसी तरह जितनी वैल्यूज़ होंगी वो आप दे सकते हैं। तो अभी मैंने ये दूसरी वैल्यू सेलेक्ट की हुई और सबमिट किया है, तो कार कौन से, कार का नाम जो है वो आ गया है। तो आगे हम चलते हैं कि अगर आपने किसी किसी एक टैग इसमें वैल्यू को बाय डिफ़ॉल्ट वो सिलेक्टेड आप अगर करना चाहते हैं, तो उसमें हम यहाँ पे उसके साथ ये सिलेक्टेड का एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम देखते हैं कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट तो ये पहली वैल्यू सिलेक्टेड होती है, लेकिन जब हमने खुद से मेंशन कर दिया है सिलेक्टेड, तो वही वाली ऑप्शन जो है वो सिलेक्टेड हो गई है। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, इनमें से किसी एक को आप सिलेक्टेड कर सकते हैं। तो अभी हमें जीशान साहब ने ज्वाइन किया है, अगर आप माइक को म्यूट कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, इसमें ऐसे है कि अगर तो आपके कोई क्वेश्चन है, तो फिर तो ये है कि आप क्वेश्चन पूछ लें, फिर आप माइक हटा सकते हैं, कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर अभी हमारा जो सेशन है उसके हम पहले पार्ट जो है उसमें ये हम कोर्स वर्क कर रहे हैं, तो इसमें हम ये कोर्स वर्क जो है HTML ट्यूटोरियल से स्टार्ट किया था, तो ये हम इसका मेजर पार्ट कर चुके हैं, और आगे ये इसके स्पेशल जो ये पार्ट हैं वो हम कर रहे हैं। तो आपने अगर शुरू से स्टार्ट करना है, तो ये हमारे YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट है फ्री वेब डेवलपमेंट की, वहीं से आप पहले वीडियो से स्टार्ट करें। मेरे ख्याल है 5-10 वीडियोस, 10 एक शायद वीडियोस हैं। और अगर आप अभी कोई आपके जहन में सवाल है वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, IT से रिलेटेड, या जनरली कुछ भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं, तो हमारी सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी इसी चीज़ की है, जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उस चीज़ के लिए है। क्योंकि बाकी मैंने देखा है कि ट्यूटोरियल्स आपके नेट पे पड़े हुए हैं, आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन जो उसमें मिसिंग पार्ट होता है वो आपका ये इंटरेक्शन वाला पार्ट होता है कि आपको क्वेश्चन आंसर्स। तो मैंने देखा है कि जो लोग नए सीखने के लिए इस फील्ड में आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, तो वो वहीं से उसको छोड़ देते हैं। तो मेरा यहाँ पर ये सेशन ये करने का मकसद यही है कि आप क्वेश्चन पूछें जहाँ पर आप स्टक होते हैं, फिर आपको मैं आगे उस चीज़ की जो मुझे जवाब पता है वो आपको बता दूं। तो अभी हम ये HTML एलिमेंट्स पे कर रहे हैं इनपुट एलिमेंट्स, फॉर्म इनपुट्स। तो इसमें हमने देखा है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप चाहते हैं ये ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो इससे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें बड़े मज़े की बात ये HTML के अंदर कि ये जो फॉर्म एलिमेंट्स हैं, ये ऑलमोस्ट आपके जो GUI के जो एलिमेंट्स हैं वो सब के सब इसमें आपके मौजूद हैं। जिस तरह इनपुट है, बटन है, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो आप हर तरह के इनपुट तकरीबन आप ले सकते हैं। उस इस हिसाब से ये वेब आपके जो है बहुत पावरफुल चीज़ बन जाती है, कि जो आपकी नॉर्मल डेस्कटॉप एप्लीकेशन में आप इंटरफेस बना सकते हैं, वो ऑलमोस्ट इसमें भी बना सकते हैं। बल्कि अभी भी हम देखते हैं कि हमें बहुत सी चीज़ें वेब बेस्ड मिलती हैं, जैसे अगर वैसे ऑफिस में आप करते हैं, MS Office यूज़ करते हैं, वो एप्लीकेशन है, अभी आपके पास गूगल डॉक्स आ गए हैं, उसमें आप वेब बेस्ड में यही चीज़ें करते हैं। तो वेब बेस्ड में होने का मतलब यह है कि सारे के सारे वही फॉर्म HTML इस्तेमाल हो रही है, CSS इस्तेमाल हो रही है, JavaScript इस्तेमाल हो रही है, और कोई ना कोई सर्वर लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है। तो हमारा तो खैर अभी टारगेट है कि इंशाल्लाह हम PHP करेंगे सर्वर लैंग्वेज के तौर पे, लेकिन और भी हो सकती है, पाइथन भी हो सकती है, और भी सर्वर लैंग्वेजेस हैं। तो अभी हम देखते हैं कि
वैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये ऑप्शन होती है ड्रॉप डाउन से, हम एक एक चीज़ सेलेक्ट करते हैं, लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपको उसमें से एक से ज़्यादा चीज़ें सेलेक्ट करनी हैं, तो आपने सिंपली ये करना है कि जो सेलेक्ट का एट्रीब्यूट है यहाँ पे, आप मल्टीपल के नाम से एक सेलेक्ट का जो टैग है इसमें एक मल्टीपल के नाम से एट्रीब्यूट है ये आपने ऐड कर देना है, और साइज़ में इसके ये लेंथ डिफाइन कर दिया है, वरना बाय डिफ़ॉल्ट वो मेरे ख्याल है टू जो है वो ऑप्शंस वो दिखा रहा होता है बाय डिफ़ॉल्ट शायद, पहले इसको चेक भी कर लेते हैं, ये मेरी भी रिवीजन साथ साथ होती रहेगी। इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो मतलब ये है कि वो चार पांच शायद चीज़ें वो वैसे ही दिखाता है। इसमें ऐसे करते हैं कि इनको मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि वो श्योरिटी, अपनी श्योरिटी के लिए कि इसमें ये स्पेसेस वगैरह आए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि HTML जो है वो इस हिसाब से फ्रेंडली है, स्पेसेस आएंगी तो कोई मसला नहीं है, चाहे लाइंस आएँ या दूसरी तरह स्पेसेस आप इस तरह दे दें। तो अभी इन सब के साथ मैं टू लगा देता हूँ, वैसे उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबमिट हमने करना नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कंप्लीटनेस के लिए हम इसको अलग वैल्यूज़ ही दे देते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि एक दो तीन चार, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट वो करता है, और अगर हमें चाहिए कि साइज़ बैटरी में चार्जिंग इसको लगा देता हूँ, तो ये करके हम देख लेते हैं, तो साइज़ इसका थोड़ा सा और बड़ा हो गया, जितनी यानी आपने वैल्यूज़ दिखाना चाहते हैं लिस्ट उस हिसाब से आप कर लें, और बाकी अगर यहाँ पे कोई वैल्यू लंबी है, मसलन मैं इसको कर देता हूँ, वो विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी मसलन, ठीक तो ये टाइपिंग अगर आप सीखें तो ये अमूमन इस तरह का सेंटेंस लिखना पड़ता है, तो आप विड्थ इस तरह ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट हो सकती है, बाकी आप इसको CSS के ज़रिए भी फिक्स कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट वो ज़्यादा ही नज़र आए, तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। मल्टीपल वैल्यूज़, हाँ इसमें जो मेन चीज़ है वो तो हमने इसमें एक्सप्लेन की नहीं है, तो वैसे हम एक चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, तो अगर आपने एक से ज़्यादा सेलेक्ट करनी है तो आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो एक से ज़्यादा आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो और रैंडम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो फिर तो वो सीक्वेंस में ये सिलेक्शन होती है, और अगर आप रैंडम करना चाहते हैं तो फिर शिफ्ट को प्रेस ना करें, फिर आप कंट्रोल प्रेस करें और रैंडम वैल्यूज़ जो जो आपने सेलेक्ट करनी है वो वैल्यूज़ आप कर लें। तो अभी जैसे मैं इसको सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि सर्वर पे कौन कौन सी वैल्यूज़ गई हैं, तो क्योंकि यहाँ पे इस पे ऑप्शंस हम देख सकते हैं कि मल्टीपल हैं, तो ये फिर कार्स ये और इस तरह जो जो वैल्यूज़ हैं वो सारी चलेंगी, और सर्वर पे वहाँ पे ये एक अरे के तौर पे ये प्रेजेंट हो जाएगा, और उसमें ये मल्टीपल वैल्यूज़ आ जाएंगी, कार्स के नाम से एक अरे का वेरिएबल बन जाएगा, जैसे अगर हम PHP सर्वर पे यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर फिर ये मल्टीपल वैल्यूज़ आ रही होंगी, ये इस तरह, तो मल्टी सिलेक्शन का फिर हमें इसमें ये फ़ायदा है। तो ये जो इनपुट एलिमेंट्स हैं ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने ये बताया पहले भी बताया कि ये जो ड्रॉप डाउन है इसकी जगह रेडियो बटन भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो हम जो ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम जो देते हैं वो क्वेश्चन आंसर्स पे देते हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन आंसर ना हो तो फिर हम ये कोर्स फॉलो करते हैं या कोई IT की चीज़ डिस्कस करते हैं, तो अगर तो आपका कोई क्वेश्चन है वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड या IT से रिलेटेड या जनरली कुछ भी सवाल है, तो आप माइक म्यूट ख़त्म करके सवाल पूछ सकते हैं, वरना ये कि हम इसमें ये कोर्स जो है ये कवर करते रहेंगे, ये अभी हम पहला सेक्शन है इस पे काम कर रहे हैं, इसमें हम ऐसा।
अस्सलाम वालेकुम सर जी, वालेकुम अस्सलाम जी अहमद साहब। ये जो जो आप कोर्स करवा रहे हो ये किस तरह करवा रहे हो, उसकी आउटलाइन क्या है? इसमें क्योंकि मैं हमारा जी, इसमें मैं बताता हूँ, ये हम W3 स्कूल्स हैं यहाँ पे, इसके हम ये फॉलो कर रहे हैं। इसमें हमारा इरादा ये है जी कि HTML हम पहले करेंगे, फिर CSS, फिर JavaScript और फिर PHP। तो अच्छा मेन इस तरह इसको फॉलो करने का इरादा है। और इसको ये ऑनलाइन या इंटरेक्टिव, वैसे तो ये कोर्स कंटेंट पड़े हुए हैं ऑनलाइन ही, इसमें आप खुद भी पढ़ जी सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। लेकिन ये ऑनलाइन सेशन रखने का हमारा मकसद ये है कि ऑनलाइन सेशन रखने का, कि यहाँ पे लोग ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें करते हैं और कुछ चीज़ों पे स्टक हो जाते हैं, तो अक्सर लोग फिर यही करते हैं और फिर उसको वो सीखना छोड़ देते हैं। तो मेरा ये लाइव सेशन रखने का मकसद ही ये है कि जहाँ पे स्टक होते हैं वो आप सवाल पूछें, यानी क्वेश्चन आंसर्स जो सेशन है, यही इस सारे रिकॉर्डिंग का मकसद है। और फिर हम ये साथ करते हैं कि साथ ये इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो फिर ये कि मैं इसी की वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। प्लेलिस्ट एक बनाई हुई है इसी की, वेब डेवलपमेंट के नाम से। तो अच्छा इस तरह ठीक हम ये फॉलो कर रहे हैं। तो कोई सवाल हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। ये सिर्फ सैटरडे और संडे को है नहीं, क्लासेस? ये सिर्फ सैटरडे को, और सैटरडे को 3 घंटे की अभी हम कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट सैटरडे को टाइम हम इसका चेंज कर रहे हैं। टाइम हम इसका अच्छा 10 से 12 ये टाइम रखने लगे हैं, क्योंकि दिन के वक्त मैंने, मुझे लोगों ने यही कहा कि ज्वाइन करना मुश्किल हो जाता है सेशन, और मतलब ये कितने मसरूफियात। मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा? ये कंप्लीट वाला कोई हिसाब नहीं है इसमें, इसमें सारी आपकी हिम्मत पे डिपेंड करता है। आप ज़्यादा वीडियोस देखें, ज़्यादा रीड करें, ज़्यादा क्वेश्चंस करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लर्निंग होगी। जी मतलब मैं तो यहीं पे इसी मकसद के लिए बैठा हूँ ना, कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करूँ, तो ठीक आप मतलब जहाँ पे छोड़ना चाहते हैं वहाँ पे छोड़ सकते हैं, नहीं करना चाहते नहीं कर सकते, ज़्यादा करना चाहते हैं ज़्यादा आप रीडिंग करें, ज़्यादा मेहनत करें। अच्छा ऐसे बकायदा उस तरह कोर्स नहीं है ना, जिस तरह आपकी वो क्लासेस होती हैं ब्लैक बोर्ड पे, आपको जी लिखाया जाता है कि कंटेंट, उस तरह नहीं है ये। जी ठीक तो वैसे ये कि आप अकेले अगर पढ़ेंगे ना ये चीज़ें, तो मुमकिन है आप बोर हो जाएं, या मुमकिन है आप कहीं पे स्टक हो जाएं। तो इस तरह जी सेशन फॉलो करेंगे तो फिर कोशिश होगी कि आपको साथ एक्टिव रखा जाए, या अगर आप, मुझे लगता है कि आपको बड़ा मुनासिब हद तक काम आ गया, तो फिर मैं आपको कोई एक्टिविटी दे दूँ कि इस तरह की चीज़ बना के लाएं। जैसे मैं एक स्टूडेंट को करवा रहा था यही वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो पुरानी बात है, कुछ साल हो चुके हैं, 5-10 साल शायद हो चुके हैं। तो मैंने उनको एक्टिविटी दे दी कि आप फेसबुक का जो फ्रंट पेज है, लॉगिन पेज, उसकी क्लोन बनाएं। तो उन्होंने यही चीज़ें सीखी थी, HTML सीखी थी और उसके साथ CSS सीखी थी। तो वो फिर उन्होंने जो चीज़ें आती थी तो फिर उसमें कर लिए। थैंक यू सर जी। जी सही है। फ्रीलांसिंग ऐसे है कि इसमें सारी फिर आपकी मार्केटिंग पे आ जाता है। आपको पहली तो चीज़ है कि आपको कोई एक टेक्निकल चीज़ आती हो। अब मेरी जो स्पेशलिटी है वो वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग है, मेन बैकएंड प्रोग्रामिंग खास तौर पे, और फिर ओपन सोर्स और लिनक्स के साथ दिलचस्पी है, तो इसमें मैं इंगेज रहता हूँ। तो आप पे डिपेंड करता है, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में गए हैं, वीडियो एडिटिंग में गए हैं, आर्टिकल राइटिंग में गए हैं, यानी जिस भी आपकी एक एक्सपर्टीज़ आपकी हो, फिर आप फ्रीलांसिंग में आए तो फिर आपको उसमें फ़ायदा है। और वो फ़ायदा ऐसे भी नहीं है कि आपको पहले दिन ही मिल जाएगा, वो फिर डिपेंड करता है कि आपकी उस पर कितनी मेहनत है। जैसे यहाँ पे ज़्यादातर लोग फाइवर पे स्टार्ट करते हैं, और वहाँ पे अगर आप अपनी जो आपकी पहली जो चीज़ आपको नज़र आती है वो गिग्स बनानी होती हैं, तो वो अगर आप उसी पे मेहनत नहीं करते, एक लाइन की डिस्क्रिप्शन आप लिखते हैं जो भी आपकी सर्विस है, तो फिर यही होगा कि आपको ऑर्डर्स भी नहीं आएंगे, मुश्किल ही है। और एक तरतीब ये है कि आप अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हैं, इमेजेस साथ लगाते हैं, पोर्टफोलियो अपना डेवलप करते हैं। अगर नए हैं तो आप लोगों के लिए फ्री प्रोजेक्ट्स करें, जो आपके लोकल आपके लोग हैं उनके लिए। ऑनलाइन तो फ्री बिल्कुल भी ना करें,
जैसे आपका कोई रिलेटिव है, उसको कोई बिजनेस है, उसको कहें मैं तुम्हें कार्ड बना देता हूँ, मैंने काम सीखा है। इस तरह डिजी स्किल्स जो है वहाँ पे बहुत अच्छी, आपके ये फ्री कोर्स चल रहा है डिजी स्किल्स पे, पता नहीं आप कर रहे हैं यानी, अगर डिजी स्किल्स डॉट पी के मेरे ख्याल है साइड है। मेरे ख्याल है यही साइट है डिजी स्किल्स डॉट पी के। जी डिजी स्किल्स है। और अगर जी ठीक है, ये बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, तो इसमें भी मतलब जो मुझे चीज़ कमी लगती है ना, तो वो इंटरेक्शन वाली कमी है। जिस तरह कि आपको एकदम आप एक चीज़ पे स्टक हो गए हैं, तो फिर वहाँ पे फंस जाते हैं आप। तो कुछ लोग हिम्मत करते हैं, सर्च आउट करते हैं और चीज़ें मिल ही जाती हैं। तो मेरा ये मकसद यही था रिकॉर्डिंग इसकी सेशन, लाइव सेशन करने का, कि अगर आप किसी जगह पे स्टक हो जाते हैं तो आप सवाल पूछें, जो मुझे चीज़ें पता हैं वो मैं शेयर कर सकता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा सेशन है, इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत हमारे ये क्वेश्चन आंसर्स जो सेशन है उसी को दी जाती है। तो वैसे ही है, अगर क्वेश्चन आंसर्स ना हो तो फिर हम ये कोर्स फॉलो कर रहे हैं। पहले हमने ये HTML करनी है, इसका मेन हमारा हिस्सा ये हो चुका है। अब ये स्पेशल कुछ टॉपिक्स हैं, फिर इंशाल्लाह CSS करनी है, फिर JavaScript, फिर PHP। तो मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो मेन जो है वो PHP में है, और मतलब जो बैकएंड प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग से मेरे शुरू से ही ज़्यादा दिलचस्पी है। तो लेकिन ये कि आपको फिर जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो आपको फ्रंट एंड बैक एंड दोनों में ही काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी हमने ये चीज़ की है कि मल्टीपल सिलेक्शंस आप ये इनपुट एलिमेंट्स किस तरह बना सकते हैं। तो ये मैं ये बात कर रहा था कि चाहे डेस्कटॉप एप्लीकेशन है चाहे वेब, तो आपके ऑलमोस्ट जो इनपुट एलिमेंट्स हैं वो सेम है। तो वेब वेब की मज़े की बात फिर ये है कि आपको वही सारे एलिमेंट्स आप इसमें मिल जाते हैं ऑलमोस्ट। तो अभी हम देखते हैं कि ये हम टेक्स एरिया, जब आपने सिंगल लाइन की इनपुट चाहिए तो उसके लिए तो हम इनपुट यूज़ करते हैं और टाइप उसकी टेक्स हम रखते हैं। टाइप अगर ना भी रखें तो वो ऑटोमेटिकली टेक्स टाइप ही होती है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम सिंपल हम एक इनपुट रख देते हैं, टैग लिखते हैं, तो ये एक बॉक्स आ जाएगा। वैसे तो ये इसमें हमें इसका नाम भी मेंशन करना चाहिए और यहाँ पे इसको होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसको फिर होना चाहिए इस फॉर्म के जो टैग्स हैं इसके अंदर होना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं ये टेक्स एरिया के नाम से एक टैग है, और नेम हमने देखा है कि जो भी इनपुट्स हैं उनके नाम हम लाजमी लिखते हैं, क्योंकि जब सबमिट करते हैं तो यही नाम आगे वेरिएबल में कन्वर्ट होते हैं और जो इसके अंदर वैल्यू होगी वो वैल्यू के तौर पर चली जाएगी। तो रोज़ और कॉलम हम मेंशन करके इसके साइज़ डिफाइन करते हैं, और इसको जैसे मैं अभी सबमिट कर रहा हूँ तो इसका नाम हमने रखा हुआ था मैसेज। तो ये इनपुट वहाँ पे सर्वर पे रिसीव हुई है, मैसेज इक्वल टू जो भी वैल्यू इसमें लिखी हुई थी। तो मल्टी लाइन अगर आपकी इनपुट है तो फिर आप ये टेक्स एरिया इस्तेमाल करते हैं, और वैसे आप रो और कॉलम भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा है कि जो वेब डेवलपमेंट है इसमें जो CSS है उसको तरजीह दी जाती है। तो आप फिर ऐसे भी मेंशन CSS के ज़रिए भी कर सकते हैं। ये एट्रीब्यूट होता है, तकरीबन आपके जो टैग्स हैं सब में ये अवेलेबल होता है, और फिर यहाँ पे आपने CSS लिखनी होती है। और CSS कैसे है कि ये पेयर्स होते हैं इस तरह सेमी कॉलन के साथ, ये उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, और सिंपल आप बटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि टाइप इसके हमने बटन लिखी है, और ये इवेंट हमने इस्तेमाल किया है ऑन क्लिक, और इसके अंदर हमने कोड लिखा है सीधा जावास्क्रिप्ट का, ये कोड है। तो जावास्क्रिप्ट आप वो स्क्रिप्ट का टैग लिख के भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये पीछे जो पढ़ा है यहाँ पे किधर हमने जावास्क्रिप्ट के हवाले से भी चीज़ें पढ़ी हैं, इसी तरह स्टाइल के हवाले से भी पड़ी हैं। तो इसमें हम क्लिक करेंगे तो ये हमें अलर्ट बॉक्स में एक ये शो कर देगा हेलो वर्ल्ड या जो भी टेक्स्ट यहाँ पे होगा। तो ये बेसिकली इसका बन जाता है, वैल्यू बन जाती है कांस्टेंट वैल्यू जो शो होनी चाहिए।
तो यहाँ पे भी यही चीज़ आ रही है। अच्छा, यहाँ पे रिकमेंड ये कर रहे हैं कि जब बटन बनाएं तो उसमें टाइप लाजमी मेंशन करें, क्योंकि ब्राउज़र जो हैं वो इसको डिफरेंट तरीके से करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं सिर्फ अगर बटन भी लिखूँ तो ये तो यहाँ पे ये बटन आ जाएगा, और इसमें मैंने बल्कि क्लोज नहीं किया और वैल्यू भी नहीं लिखी, कुछ भी नाम इसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो रिकमेंड ये किया जा रहा है कि आप टाइप इसमें लाजमी मेंशन करें, क्योंकि इसमें जो आपकी HTML है ये चीज़ें कुछ जेनेरिक होती हैं, यानी ब्राउज़र जो है वो उसको रेंडर मुख्तलिफ तरीके से कर सकता है। जैसे हर ब्राउज़र में अपना डिफाइन उसने किया होता है, टेक्स जो है नॉर्मल टेक्स वो क्या होगा, उसका साइज़ क्या होगा, उसका फॉन्ट कौन सा यूज़ करना है, तो मुख्तलिफ ब्राउज़र मुख्तलिफ करते हैं तो फिर कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। तो इसमें बेहतर ये है कि आप हर चीज़ को डिफाइन करें। तो फील्ड्स के ऊपर अगर आपने एक लाइन सी ये ड्रा करनी है, थोड़ा सा इस तरह का इंटरफेस, ये बड़ा अच्छा उसमें लगता है जब ज़्यादा एलिमेंट्स हों, जैसे सेक्शंस बने हुए हैं, पर्सनल डाटा, बिजनेस डाटा या समथिंग, इस तरह सेक्शंस आपके बने हुए हैं, तो ये बहुत आसान है। ये फील्ड सेट के नाम से ये टैग है, ये स्टार्ट और ये क्लोज, और ये आपका उसका ऊपर वाला एरिया आ गया ये चीज़। तो यहाँ पे कुछ भी आप साथ लिख सकते हैं तो ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट कर लेगा। तो इनपुट्स हो सकते हैं आपकी और भी हों, ज़्यादा हों, वो आप लिखते रहें। ये मैं वैल्यूज़ वैसे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं वैसे ही यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ साथ में नज़र आए तो ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट कर लेगा। तो ये फील्ड सेट बहुत अच्छी चीज़ है, इस तरह इंटरफेसेस आपके बड़े अच्छे बन सकते हैं। तो डाटा लिस्ट में आपकी प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हैं वो आ जाती हैं, और जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक किया है तो ये वैल्यूज़ आ गई हैं। तो ये हमारा टैग है डाटा लिस्ट के नाम से, और इसकी आईडी है, और यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं वो आप लिस्ट कर लें। और यहाँ पे लिस्ट इनपुट के अंदर लिस्ट का एट्रीब्यूट है, यहाँ पे आपने जो आईडी दी है वो यहाँ पे लिख देंगे। असल मैंने अगर इसकी आईडी 2 दी है, ब्राउज़र 2, तो फिर यहाँ पे ब्राउज़र्स 2 ही लिखना है। और सबमिट करेंगे तो जो वैल्यू भी हमने दी है वो वैल्यू सबमिट हो जाएगी। तो आप अगर मार्क करना चाहते हैं कोई एरिया आउटपुट के लिए, तो वो हम इस तरह करेंगे कि जैसे एक तो हमने फॉर्म का एक्शन लिखा है कि यहाँ पे कहाँ पे ये डाटा सबमिट होगा, दूसरी चीज़ ऑन इनपुट एक्स डॉट वैल्यू इज इक्वल टू पार्स इन ए इसको थोड़ा सा मुझे खुद समझना पड़ेगा पहले। इनपुट में हमने टाइप में रेंज दिया है, ये रेंज इसके लिए है, दूसरी वैल्यू आईडी हमने उसकी दी है ए, और नेम दिया है, ए वैल्यू दी है 50, और दूसरी इनपुट नंबर है ये वाला अप डाउन, इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे कुछ समझ आ गया। तो इसके बाद देखें ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, आपके पास नेम आ रहा है एक्स, तो और बहरहाल ये आउटपुट दोनों के लिए है, तो इसलिए ए भी लिख दिया है यहाँ पे। तो अभी हम देखते हैं कि इसको देखें किया क्या है, यानी जब इनपुट दी जाएगी तो फिर क्या करना है, एक्स डॉट वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू, क्योंकि ये एक्स है,
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो आउटपुट के लिए हमने एरिया डिफाइन किया है उसका नाम है एक्स। तो एक्स डॉट वैल्यू, यानी ये जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, तो उसको हम कर रहे हैं असाइन कर रहे हैं वैल्यू। एक तो हम ए डॉट वैल्यू कर रहे हैं, यानी इसकी वैल्यू प्लस बी डॉट वैल्यू की। और ये पार्स इंट जो है ना, ये इसमें क्या करता है कि जो उसके इंटीजर पार्ट है उस पर कन्वर्ट कर देता है इंटीजर में इसको, वैल्यू को। वैसे यहाँ पे ये वैल्यूज़ हमारे पास एज ए स्ट्रिंग इस्तेमाल हो रही हैं, तो इन दोनों को ये क्या कर रहा है, प्लस करके और उसकी वैल्यू एक्स के अंदर डाल रहा है। तो ये फिर हम देख सकते हैं, ये ज़ीरो अगर हमने कर दिया तो वो फिर वैल्यू जितनी यहाँ पे है वही हो रही है, और यहाँ पे अगर ज़ीरो करेंगे तो दोनों, बल्कि ये तो माइनस में चला गया। इधर अगर हम ज़ीरो करते हैं और इसको इंक्रीज़ करता है तो सिर्फ इसकी वैल्यू ले रहा है। तो यहाँ पे ये फिर आ जाती है आपकी कोडिंग पे, आप क्या करना क्या चाह रहे हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे प्लस, जैसे कि जो भी आप इनपुट करें उसमें प्लस 100 हो जाए, जैसे ये वैल्यू आई और उसमें प्लस 100। तो ये आपकी फिर प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हैं। इसको मैं क्लोज करता हूँ। अच्छा, इसमें देखिए, जो आउटपुट का जो एलिमेंट, ये एट्रीब्यूट है, इसका टैग है, इसमें ये एज का जो पुराने वर्जन है उस पर सपोर्टेड नहीं है। तो अभी यहाँ पे एक्सरसाइज आ गई है, इसमें हम देखते हैं और कोशिश करते हैं इसको हल करने की। एक्सरसाइजेज ये है कि अटेम्प्ट करनी चाहिए, इसमें गलती भी हो सकती है, गलती हो तो चैप्टर को रिवाइज करें या जो चीज़ आपसे गलत हुई है उसको दोबारा से देखें। तो पहला काम तो ये है कि ध्यान से आपको सवाल पढ़ना चाहिए, फिर अटेम्प्ट करनी चाहिए इसको हल करने की। इन द फॉर्म बिलो एड एन एम्प्टी ड्रॉप डाउन लिस्ट विद द नेम कार। तो ड्रॉप डाउन के लिए तो हमें सेलेक्ट सेलेक्ट का टैग हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट नेम कार, इस पे तो थोड़ा सा मैं भी फंस गया हूँ, लेकिन चले, जो मुझे पता है कि सेलेक्ट ड्रॉप डाउन के लिए हम सेलेक्ट का टैग इस्तेमाल करते हैं और उसका नेम का एट्रीब्यूट है, और नेम में हम कार्स लिखते हैं। ये हमारा पार्ट एक हो गया है। और यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है कि एट एन एम्प्टी ड्रॉप डाउन लिस्ट विद द नेम कार, ड्रॉप डाउन लिस्ट, अच्छा सही है, फिर यहाँ पे सिलेक्ट ही होगा, यानी इसको स्टार्ट किया और क्लोज कर दिया है बस। तो देखते हैं, गलत भी हो सकता है, लेकिन इस डर से कि गलत होगा इसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, ये भी गलती है, तो अटेम्प्ट करना चाहिए और फिर देखते हैं सही हो गया है। तो थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग था लेकिन सही है। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये यहाँ पे अब लिस्ट आ गई है, ऑलमोस्ट ये रेफरेंसेस की लिस्ट आ गई है, तो यहाँ पे जिस पे क्लिक करें तो ये उसका डिटेल रेफरेंस दिखा देगा। तो इसको हम ये अमूमन स्किप कर देते हैं, ये क्योंकि इतनी डिटेल्स में हमने इसमें जाना नहीं है, अमूमी जो चीज़ें हैं वो हम इसमें कर रहे हैं, और बाकी आपको किसी चीज़ में आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये डेटा लिस्ट के वाले से आप कुछ काम कर रहे हैं, तो फिर आपको ये कि इसको इसमें आना चाहिए दोबारा। यहाँ पे देखिए, ये सारे आपके रेफरेंसेस यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो सारे टैग्स हैं, इसमें आप किसी टैग पे भी क्लिक करेंगे। तो एक तो अच्छी चीज़ इसमें यह है कि ब्राउज़र सपोर्ट क्या है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि मिनिमम वर्जन किस से ये सपोर्टेड स्टार्ट इसकी सपोर्ट स्टार्ट हुई है। बाकी एग्जांपल ये वही है जो हम पहले कर चुके हैं, क्लिक किया है तो, और बाकी डेफिनेशन इसकी, इस्तेमाल किस तरह हम कर रहे हैं। फिर इसमें कुछ होते हैं ग्लोबल एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो सब टैग्स के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। इसी तरह कुछ ग्लोबल इवेंट्स हैं, जिस तरह ऑन क्लिक एक इवेंट है,
और अगर जावास्क्रिप्ट में आप इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो फिर डॉम के अंदर इसका एक ऑब्जेक्ट बनता है, उसको अगर आपने जावास्क्रिप्ट के ज़रिए एक्सप्लोर करना है तो ये उसका रेफरेंस है। और ये वार्निंग भी एक है कि ये पुराने वर्जन में ये सपोर्ट इसकी नहीं है। और देखिए यहाँ पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। और बाय डिफ़ॉल्ट ये डिस्प्ले इसका नन होता है, क्योंकि ये खुद डिस्प्ले नहीं होता ये, बल्कि दूसरे जो टैग्स हैं उनके अंदर इसकी वैल्यू डिस्प्ले होती है। तो ये मैंने वैसे एक एग्जांपल के लिए एक्सप्लोर कर दिया है। ये रेफरेंस अमूमन हम इसको स्किप कर देते हैं। तो आज के दिन ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, करेक्टर सेट से, और ये चीज़ करते हुए यहाँ तक आया, और अभी मैं खुद भी थोड़ा सा इससे थक गया हूँ। तो अभी जो हमारा पहला सेक्शन है इसको हम क्लोज करते हैं, और इसको मैं यहाँ पे नोट भी करता हूँ इसका लिंक, क्योंकि ये फिर मैं डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर दूँगा। यहाँ पे हमने एंड कर दिया था फॉर्म एलिमेंट्स के चैप्टर पे। और यहाँ पे टाइमलाइन पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ नेक्स्ट। अच्छा, इसमें टाइम में मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि ये फिर उसमें आसानी होगी जब आप नेविगेट करते हैं। तो यहाँ पे हम टाइम देख सकते हैं कि ये हमारे पास सेशन रिकॉर्ड हो रहा है 1 घंटा और 45 मिनट कर लेते हैं राउंड करके। ये 1 घंटा और 43 मिनट। जी अभी इस सेक्शन में वैसे तो कुछ ना कुछ हम आईटी के हवाले से डिस्कस करते हैं, तो इसमें मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, ईआरपी सिस्टम की एक डीवीडी बनाने के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। तो उस पे ये कि मैंने कुछ डेवलपमेंट की है, और तो वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। इसमें मैं वर्चुअल बॉक्स में मैंने उसकी इंस्टॉलेशन की हुई है, और इसी पे मैं डेवलप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये रेडी है, और यहाँ पे मैंने इसकी इंस्टॉलेशन करके टेस्टिंग की है। तो मैं इसी को स्टार्ट करता हूँ। वर्चुअल बॉक्स ये एक बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। ये आपका विंडोज़, मैक, लिनक्स तीनों जो मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं सब में ये अवेलेबल है। और इसकी ख़ास बात ये है कि आप इसके अंदर, जैसे अब मैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा हूँ ये है लिनक्स, तो इसके अंदर आप और ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल कर सकते हैं। टेस्टिंग करनी हो आपने या वैसे इस्तेमाल करना हो रेगुलर तब भी। अब जैसे मैं इसमें जो ईआरपी ओएस है इसकी डीवीडी एक आईएसओ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये मैं इसी के अंदर इंस्टॉलेशन करके, बजाय इसके कि मैं अलग से इंस्टॉल करूँ और फिर मैं कंप्यूटर रीस्टार्ट करूँ, उसमें जाऊँ काम करूँ, फिर रीस्टार्ट करूँ, अपने जो नॉर्मल लिनक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम उसको इस्तेमाल करूँ, तो उसकी बजाय मैं इसको वर्चुअल बॉक्स को इस्तेमाल करता हूँ। और इसके अंदर इंस्टॉलेशन की हुई है, और आईएसओ भी मैंने बनाया है जो कि यहाँ पे अब आपको नज़र आ रहा होगा। अभी ये इन प्रोग्रेस है, इसमें कुछ और चीज़ें करनी है, तो फिर इसका इंशाल्लाह ताला फाइनल इसको एज अ प्रोडक्ट बना के इसको अपनी साइट पे ऐड करूँगा। ई साइट डॉट पी के मेरी साइट है। तो सवालात मेरे ख्याल आपके पास नहीं हैं, तो फिर मुझे इसी पे कंटिन्यू करना चाहिए। अगर तो सवाल हैं ज़रूर पूछें।
अगर कोई सवाल आपको लगता है फजूल है फिर भी पूछें, क्योंकि उसी में लर्निंग होती है। अगर आपको एक चीज़ लग रही है फजूल, लेकिन हो सकता है वो उसका जवाब आपको अच्छा मिल जाए। तो मैं वापस इसमें आता हूँ, अभी ये लोड हो रहा है अभी भी। इसके लिए है कि वर्चुअल बॉक्स के लिए है कि फिर आपके पास सिस्टम अच्छा होना चाहिए, रैम उसकी ज़्यादा हो। अब जैसे मैंने इसको एलोकेट किया हुआ है, इसमें 2 GB मैंने इसको एलोकेट की हुई है, ये यहाँ पे नज़र आ रही है आपको, रैम जो है 2 GB है। और बाकी बाकी इसमें हार्ड डिस्क इसको मेरे ख्याल है 52 GB दी है। और इसकी अच्छी बात यह है कि ये जो हार्ड डिस्क को आप असाइन करते हैं वो सारी की सारी स्पेस उसी वक्त कंज्यूम नहीं कर लेता है, बल्कि जैसे जैसे आप इस्तेमाल करते हैं वैसे वैसे उसकी स्पेस इस्तेमाल होती है। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं इसमें आता हूँ वर्चुअल मीडिया मैनेजर में, तो यहाँ पे ये इसका साइज़ बता रहा है कि 52 GB मैंने डिफाइन किया हुआ है और एक्चुअल साइज़ 10 GB है, यानी कि इंस्टॉलेशन ये हुई है तो उसने इतना कंज्यूम किया है। तो अभी मैं इसमें पासवर्ड देता हूँ, यूज़र नेम रोशन टेक है और ई साइट डॉट पी के पासवर्ड है इसका। इसी तरह मैंने ये एक DVD और बनाई हुई है पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से, उसमें भी ऐसे ही है, ये यूज़र नेम ऐसे ही है। तो ये जो है ये ERP उसकी नस्बत बड़ा सॉफ्टवेयर है। तो इसमें मैंने एक काम ये किया है कि यहाँ पे इसकी ये डॉक्यूमेंटेशन इंस्टॉलेशन करने की, क्योंकि इसमें कोई एक ऐसा इशू है कि ये लाइव इन्वायरमेंट इसकी नहीं चल रही है। वैसे ही अभी मैंने अभी तो खैर ये इंस्टॉल कर चुका हूँ, लेकिन अगर आप DVD से इसको लोड करते हैं तो ये नहीं चलता है। वो कोई टेक्निकल इशू है, मुझे समझ नहीं आया, फिर मैंने इसको स्किप कर दिया। फिर इसको ये है कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं DVD से अपने कंप्यूटर में, या वर्चुअल बॉक्स में भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कोई एक कस्टमर मुझसे पूछ रहा था इसको विंडोज़ में अगर इस्तेमाल करना है तो उसमें फिर आप वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये मैंने इसका डॉक्यूमेंट इंस्टॉलेशन का बनाया हुआ है, ये यहाँ पे रख दिया है। और इसी तरह फिर मैंने एक ये वीडियो इसकी बनाई है इंस्टॉलेशन की, ये तकरीबन इस्तेमाल भी उसके साथ बता दिया है और वीडियो भी है, ये गालिबन 22 मिनट की है। और इसमें इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है और फिर आगे इसको यूज़ करने के बारे में भी बताया है। तो इसको भी मैं बंद करता हूँ। और यहाँ पे जो हमने इसमें इंस्टॉलेशन हमने दिया, इसमें 2 ERP हैं, एक ये ERP EN और ERP OD, ये 2 ऑप्शंस हैं। तो ये तो जेन्युइन आपके ऐसे क्लिक करने से ही स्टार्ट हो जाता है, जबकि इसके लिए फिर आपको थोड़ा सा ये इसको पहले ये स्क्रिप्ट एक रन करना पड़ता है, तब उसकी एग्जीक्यूशन होती है। तो ये वैसे आइकन है इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने का, जिसका प्रोसीजर हमने वीडियो में भी और ये डॉक्यूमेंट में भी बताया है। तो अपडेट मेरे पास यही थी। वैसे मैंने इसमें पीछे किधर रिकॉर्डिंग में भी इसके बारे में बताया था कि इस पे मैं एक DVD पे काम कर रहा हूँ और इस पे ये दोनों ERP होंगे, और इन दोनों ERP जो हैं इनकी ख़ास बात यह है कि ये आपके एजुकेशन सेक्टर में इस्तेमाल हो सकते हैं, और आपके हॉस्पिटल्स मेडिकल जो एरिया उसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके अलावा आपके जो रिटेल स्टोर्स हैं उनमें इस्तेमाल हो सकते हैं। ये बड़े लेवल के सॉफ्टवेयर हैं, ERP सॉफ्टवेयर हैं इनको, बल्कि हम कहते हैं पेपरलेस एनवायरनमेंट के लिए ये होते हैं। यानी आपको फुल ऑर्गेनाइजेशन का सारे एक्टिविटीज़ यहीं पे आपकी हो रही हैं, आपको मज़ीद सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत नहीं। तो किसी वजह से ये देर लगा रहा है, या ये कि जब आप सिस्टम बूट करते हैं इस पे तो वैसे भी रिसोर्सेस कम हैं, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन का सॉफ्ट सेटअप है बिजनेस, या आपका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है,
एग्रीकल्चर है, सर्विसेज बिजनेस है, नॉन प्रॉफिट जिस तरह एनजीओस टाइप की हैं, तो ये इन सब के लिए बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। तो इसको मैं अभी एक्सप्लोर नहीं करता हूँ क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने इसको एक्सप्लोर किया है। इसमें जो सिर्फ मैं अपडेट यही देना चाह रहा था कि ये इसका भी डेस्कटॉप जो है थोड़ा सा इसको रिफाइन हमने किया है, और इसको मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। इसमें यह है कि ये थोड़ा सा देर लगाता है, और इसमें पासवर्ड वही ई साइट डॉट पी के, तकरीबन सारी जगह मैंने यही पासवर्ड दिया है। यूज़र नेम रोशन टेक है और पासवर्ड ई साइट डॉट पी के, और जो ERP के अंदर यूज़र नेम या ईमेल है वो आमिर एट ई साइट डॉट पी के है, और पासवर्ड यही है। तो पहले ये काम जो है स्क्रिप्ट से नहीं, इसमें कमांड्स खुद लिखनी पड़ती थी, तो उसको थोड़ा सा आसान कर दिया है कि अभी आपको ये सिर्फ स्क्रिप्ट रन करना है, तो फिर उसके बाद आपने ये ERP ODB ये इस पर क्लिक करना है। तो लेकिन ये इससे ज़्यादा देर लगाता है, ये स्टार्टिंग में स्पेशली ना, इसमें मैं अभी क्लिक भी कर दूंगा तो हो सकता है ये लोड ना करें, क्योंकि बैकग्राउंड में वो लोड होगा, स्टार्ट होगा, उसकी डेटाबेस इनेबल होगी, और तो इस प्रोसेस में चंद मिनट्स भी लग सकते हैं या सेकंड्स में भी हो सकता है काम। इसके अलावा ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी आप जो देख रहे हैं ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको बल्कि मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, व्यू ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये खुद एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये लाइट वेट है अभी, लेकिन चले ये हमारी अच्छा है, ये फ़ौरन ही स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे आप देखें, इसमें बाकी आपके टूल्स जो हैं नॉर्मल आप जिस तरह इस्तेमाल करते हैं, ब्राउज़र है आपका, फाइल मैनेजर या माई कंप्यूटर जिस तरह होता है ये उस टाइप का है, आपकी फाइल्स ब्राउज करनी है डिस्क के ऊपर जो है ये, इस पर क्लिक करेंगे तो सब मिनिमाइज हो जाएंगी एप्लीकेशंस। बाकी आपके यहाँ पे रीस्टार्ट करना है, पावर बटन, टाइम, वॉल्यूम, इंटरनेट, ये आपके कनेक्ट अगर हुआ हुआ है। बाकी जिस तरह यहाँ पे कुछ आपके ये सॉफ्टवेयर हुए हुए हैं, फायरफॉक्स हुआ हुआ है, ट्रांसमिशन, अगर आप टॉरेंट से चीज़ें डाउनलोड करते हैं तो उसका जो सॉफ्टवेयर हुआ हुआ है, तो ग्राफिक्स के भी कुछ सॉफ्टवेयर हैं। तो आप इसको जनरल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है लिनक्स को। और मज़ीद अगर आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं तो यहाँ पे ये पैकेज मैनेजर एक इसमें इंस्टॉल है। तो यहाँ पे मैंने इसमें अच्छे जो काम किया है वो ये किया है कि इसके जो भी इसमें तो ये है कि ये वाला जो ERP है इसमें तो ऑलमोस्ट ये फुल फ्री है, यानी कि इसमें सब चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं, जबकि यहाँ पे ये वाला जो ERP है इसमें कुछ चीज़ें आपकी फ्री थी और कुछ पेड थी। तो जो फ्री वाली हैं वो सारे की सारे मैंने इसमें डाउनलोड करके इसमें इनेबल कर दी हैं। जैसे कि मैं कोई एक चीज़ इसमें खोलता हूँ, CRM, तो ये सारे मॉड्यूल्स जो थे अवेलेबल थे फ्री, तो ये सारे मैंने इसमें सेटअप कर दिए हैं। तो CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए टूल होता है, तो ये पाइप्स बने हुए हैं, इसको मेरे ख्याल है ड्रैग एंड ड्रॉप ये कर सकते हैं कि न्यू कस्टमर कोई आया है उसको, मेरे ख्याल ये सारी चीज़ें कन्फिगर हो सकती हैं, लेकिन चूंकि मैं इसमें मेन काम नहीं किया हुआ, लेकिन ये अंदाज़ा है कि ये सारी चीज़ें कन्फिगर इसमें हो सकती हैं। मैं अभी इसको करता हूँ क्लोज़, ये थोड़ी सी अपडेट मैं देना चाह रहा था, इसको मैं शट डाउन करता हूँ। अगर कोई सवाल है तो फिर मैं रुक जाता हूँ, अदरवाइज मैं इसको शट डाउन करने लगा हूँ। इसका मतलब है कि सवाल
कोई भी नहीं है। चले सही है, मैं फिर उसको शट डाउन करता हूँ। और थोड़ा सा मैं आपको ये वर्चुअल बॉक्स जो सॉफ्टवेयर है इसको थोड़ा सा आपको बताता हूँ, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप विंडोज़ 10 इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास 4 GB या 8 GB उसकी रैम है, और आपको कोई रिक्वायरमेंट ऐसी आती है कि आपने विंडोज़ XP उसमें इस्तेमाल करनी है, तो आपकी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट है या बिजनेस रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप ये करेंगे कि इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें विंडोज़ में। ऑलमोस्ट इंटरफेस ऐसे ही होगा, चंद चीज़ें शायद ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो इसमें न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ये एक आ जाएगा, विजर्ड आ जाएगा। तो इसमें जैसे मैं नाम उसका देता हूँ XP2, और ऑटोमेटिकली इसने देखिए ये सिलेक्ट भी कर दिया इसको। तो अगर आपकी लिनक्स थी तो लिनक्स ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट कर देगा नाम टाइप करने के बाद, वरना आप खुद से कर सकते हैं। और इवन आप मैक जो OS है उसके भी वर्जन इसमें आप इंस्टॉल करके टेस्टिंग कर सकते हैं, और विंडोज़ कौन सी है। अभी तो खैर हमने विंडोज़ XP32 बेटी करनी है, तो इस पर नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब आपने इसको रैम कितनी एलोकेट करनी है, बाय डिफ़ॉल्ट ये कह रहा है कि इसको इतनी रैम देंगे भी तो ये चल जाएगा, लेकिन वैसे मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है इसमें 512 आपकी रैम हो तो विंडोज़ ये XP जो है ज़्यादा अच्छी चलती है। तो हमारे पास तो क्योंकि रैम इधर मेरे पास ज़्यादा है, तो इसमें तो इसको 2 GB रैम भी दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी मैं चले 512 ही दे देता हूँ। अच्छा, फिर ये आपसे कहता है कि हार्ड डिस्क आपने उसकी डिफ़ाइन करनी है या नहीं। तो हमने क्योंकि इंस्टॉल करनी है इस पे तो हार्ड डिस्क की तो ज़रूरत है, या फिर पहले से हार्ड डिस्क बनी हुई है। तो मैं तो इस तरह करता हूँ कि विंडोज़ XP जैसे ये वाली है इसकी मैंने हार्ड डिस्क एक कॉपी बना के पास रख ली है, दोबारा टेस्टिंग करनी होती है तो फिर मैं यहाँ पे क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ये आ रही है, ये VDI के नाम से फाइल बनती है। लेकिन इस केस में अभी मैं नई ही बनाता हूँ, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बना रहे होंगे तो आपके पास तो ये फाइल नहीं बनी होगी। तो इसका मैं ये डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट ही रहने देता हूँ, वर्चुअल बॉक्स डिस्क इमेज। वैसे ये और भी फॉर्मेट्स हैं लेकिन मैंने उनके साथ काम नहीं किया। तो इसको फिक्स करेंगे तो वो जितनी आप GB उसको साइज़ देंगे उतनी डिस्क के ऊपर कंज्यूम हो जाएगा, तो इसका एक लिहाज से नुकसान है, लेकिन फ़ायदा ये है कि ये फिर एक्सेस में मेरे ख्याल है ये स्पीड ही ज़्यादा होगा। लेकिन अभी मैं इसको डायनामिक ही देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे XP की हुई है तो इसने गालबन 1.5 GB साइज़ लिया है, तो इसको नेक्स्ट करता हूँ। ये कह रहा है 10 GB, आप इसको ये बार को कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने डायनामिक रखा है तो हम इसको फुल 2 TB भी कर दें तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि उसने उतना कंज्यूम करना है जितना एक्चुअल उसका साइज़ है। लेकिन अभी मैं इसके लिए डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, और ये हमारे पास ये वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम एक बन गया है। तो इसको जब मैं पहली दफ़ा स्टार्ट करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि आपने इसको बूट किस तरह करना है, क्योंकि एक लिहाज से तो डिस्क एम्प्टी है, फ्रेश जिस तरह आपका सिस्टम आता है। तो एक तो आप ये काम कर सकते हैं कि अपनी जो फिज़िकल आपकी जो DVD रोम लगी हुई है उसमें अगर आपने विंडोज़ की CD डाली हुई है वो दे दें, या फिर आपने अगर इसका ISO डाउनलोड किया हुआ है विंडोज़ का, आप अपने ब्राउज़ कर लें कंप्यूटर में किसी जगह पे भी आपने ऐड किया हुआ है ISO फाइल्स, जिस तरह मैंने ये ISO फाइल्स अभी कुछ ऐड की हुई हैं, तो इसी तरह विंडोज़ की भी आपने फाइल ब्राउज़ करके यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये फिर उसको बूट करना स्टार्ट कर देगा। और फिर जैसे कि नॉर्मली होता है कि आपके अभी तो शायद मेरे पास मेरा ख्याल है कि नहीं है इसकी कोई ISO पड़ी हुई, लेकिन चले मैं एक नज़र देख लेता हूँ। चले मेरे पास इसमें पड़ी हुई है, तो अभी विंडोज़ XP की मेरे पास विंडोज़ XP की भी पड़ी हुई है, तो चले मैं इसको इमेजेस का देता हूँ। ब्राउज़ किया और
ऐड पे क्लिक किया, विंडोज़ में विंडोज़ एक्सपी सेलेक्ट की और चूज़ पे क्लिक कर दिया। तो आप इसमें डीवीडी भी दे सकते हैं या फिर इस तरह आईएसओ इमेज दे सकते हैं। इस पे स्टार्ट पे क्लिक किया तो जैसे नॉर्मली आप कंप्यूटर पे डीवीडी लगा के या यूएसबी लगा के स्टार्ट करते हैं, तो जैसे नॉर्मली इंस्टॉलेशन का सेटअप स्टार्ट हो जाता है, तो ये एज इट इज़ वैसे ही ये प्रोसेस होगा। इसको ऐसे ही लगेगा कि ये वाली जो फाइल है, मैं आपको फाइल बल्कि अभी दिखा देता हूँ जो इसने क्रिएट की है। वर्चुअल बॉक्स और ये XP2 और यहाँ पे ये VDI फाइल, अभी इसका साइज़ भी देखे थोड़ा सा है। तो ये जो फाइल है ये इसको लग रहा है कि ये पूरी एक हार्ड डिस्क है। और यहाँ पे अब ये मुझसे जिस तरह ये पूछ रहा है कि ये स्पेस 10 GB की, इसको आपने क्या करना है, तो हमने इसी को इस्तेमाल करना है। तो पुरानी जो विंडोज़ इंस्टॉल होती थी वो इस तरह ये इस मोड में, टर्मिनल मोड में आप कह लें, इस मोड में होती थी। जो GUI मोड है वो बाद में आती है। तो इसको मैं अभी NTFS ही कर देता हूँ। यानी यहाँ पे अगर हम इसकी पार्टीशन उड़ा भी दें, ये एक्सपेरिमेंट करने हैं पार्टीशनिंग किस तरह होती है या नहीं होती, वो सारे काम आप इस पे यहाँ पे बिना झिझक कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो ख़राब होगी भी तो वो सिर्फ ये फाइल होगी, तो वो उसका तो फिर आसान सा हल है। आप इसको राइट क्लिक यहाँ से करें, इसको रिमूव करें और नए सिरे से दोबारा इंस्टॉल कर लें। अभी ये क्योंकि इस चल रही है तो ये ऑप्शन ये रिमूव की डिसेबल आ रही है, तो यहाँ पे जिस तरह मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी करने नहीं है क्योंकि ये मेरे पास वर्किंग में है। तो इसको रैम मैंने थोड़ी सी दी है, तो अभी मैं इसको रैम थोड़ी सी कम करता हूँ और फिर मैं इसको भी स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि वो मेरे पास इंस्टॉल हुई हुई है। तो जैसे यहाँ पे आके मैंने इसको 512 रैम कर देता हूँ, क्योंकि उसको ये होगा कि ये 512 ये ले रहा है, 512 ये ले लेगा, तो सिस्टम पे ओवरऑल इतना लोड नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे अपने अगर सिस्टम के रिसोर्सेज चेक करूँ तो ये कोर i5 है सिस्टम और इसमें 8 GB रैम है, अभी 4 इस्तेमाल हो रही है तकरीबन। तो इसमें यह कि मैं इसको अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी इंस्टॉलेशन चल रही है, अभी ये GUI मोड तकरीबन उस तरह का आ गया है। इसका मुझे अभी एग्जैक्ट याद भी नहीं है कि ये ऐसे ही होता था या इसमें फ़र्क था पहले। अभी क्योंकि विंडोज़ 7 या 10 या 8 इंस्टॉल करें उसमें तो आपका नॉर्मल GUI मोड आ जाता है, उस पर आप सेलेक्ट करते हैं बटन्स आ जाते हैं। तो इसका मुझे अभी कंफर्म याद नहीं, शायद ऐसे ही था। लेकिन जो विंडोज़ 2000 थी उसका तो कंफर्म मुझे याद है कि उसका इसी तरह दूसरा मोड आता था। तो अभी जैसे देखें नॉर्मल कंप्यूटर ऑन होता है और आपके आवाज़ आती है विंडोज़ लोड हो गई है, डेस्कटॉप अभी सामने आ जाएगा, लेकिन ये सारी विंडो इस बॉक्स इस विंडो ये विंडो इस विंडो के अंदर ही चल रही है, ये जो आपके सामने नज़र आ रही है। तो यहाँ पे जैसे नॉर्मली आप स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोग्राम चला सकते हैं, नेट से डाउनलोडिंग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास अभी तो ब्राउज़र यही इंटरनेट एक्सप्लोरर ही है, लेकिन चले यहाँ पे आप क्रोम तो मेरे ख्याल है नहीं होगा, क्रोम क्रोम क्योंकि पुराने शायद विंडोज़ में हो जाए, लेकिन फायरफॉक्स तो आप कर ही सकते हैं। और फिर आप नेट से जो भी सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करें, इसके अंदर टेस्टिंग करें वगैरह वगैरह, ये चीज़ें हो सकती हैं। मैं मस्तन इस पे गूगल पे जाता हूँ और क्रोम सर्च करता हूँ अच्छा इधर इंस्टॉलेशन जो है वो नेक्स्ट फेज पे चली गई है। मैं जल्दी जल्दी इसको फिल करता हूँ।
कंपनी का नाम लिखा, आप जो भी वो कंप्यूटर का नाम दे रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड कुछ भी मैं दे देता हूँ। मकसद ये है कि ये जल्दी जल्दी सेटअप हो जाए। अभी तो नेट चल रहा था, रिफ़्रेश करता हूँ और नेट को भी मैं देख लेता हूँ कि नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा। नेट तो चल रहा है, बल्कि आप भी देख रहे हैं ये रिकॉर्डिंग, तो नेट तो चल रहा है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि ये हमने सेशन अभी इसका ख़त्म कर दिया है। नेट का कुछ मसला ज़रूर है, अभी नो आ रहा है। बहरहाल हम इसमें कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे फिर से ट्राई करते हैं या फिर इसमें फायरफॉक्स सर्च करता हूँ मैं। बहरहाल अभी कुछ मसला है, ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा डाउनलोडिंग। हालांकि ये काम तो इसमें हो रहा है सर्चिंग वाला। इस स्टेप पे कोई मसला है। या कोई और ब्राउज़र, लेकिन क्रोम में ही मुझे लगता है मसला है इसमें, सॉरी गूगल जो सर्च है इसमें मसला है। जो दूसरा मैं सर्च इंजन ट्राई करता हूँ बिंग, बिंग में पता नहीं बिंग में भी होता है कि नहीं। बैकग्राउंड तो आ गया लेकिन बाकी कोई एरर्स हैं, पेज नज़र नहीं आ रहा। चलें, मैंने बहरहाल इसमें की थी ये चीज़ें, पता नहीं अभी कोई इशू हो रहा है नहीं हो रही। तो इसमें मैंने ये किया था कि ये जो एक्सपी मेरी जब इंस्टॉल पूरी हो गई थी तो मैंने सिंपली इसकी ये वाली जो फाइल है इसको अपने पास कॉपी कर लिया था, अपने पास किधर आप बैकअप में रख लें और फिर जब फ्रेश आपने इंस्टॉल करनी है तो उसमें फिर कॉपी पेस्ट करके आप इसको पाथ में, जब वो मांगता है कि डिस्क आपकी पहले से एग्जिस्टिंग डिस्क है तो फिर इसका पाथ दे दें। तो ये मैंने यहाँ पे बैकअप में इसका ये रखा हुआ है। तो टोटल साइज़ इसका देखें कि ये टोटल सिर्फ 600 के करीब MBs हैं और इसको अनकंप्रेस करूं तो ये 1.5 GB के करीब मेरा ख्याल है बनती है। बल्कि जो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं ये भी शायद इतना ही साइज़ है इसका, इसका भी हम देख लेते हैं तकरीबन 1.5 GB के करीब। चले मैं इसको अभी शट डाउन करता हूँ। तो आप अगर वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आपको तकरीबन जो मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके साथ वास्ता पड़ता है, ब्राउज़र्स के साथ स्पेशली। अब विंडोज़ XP या विंडोज़ 7 है, 10 है, उसमें आपका ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर है या एज है, तो आपको वेबसाइट आप जो बना रहे हैं उसमें कंपैटिबिलिटी के इश्यूज आ जाते हैं। आपके मैक OS पे सफारी में वो हो सकता है कुछ और तरह से डिस्प्ले आ रहा है, तो फिर आप इस तरह वर्चुअल बॉक्स में ये मुख्तलिफ इंस्टॉल करके आप चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं। अब इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसका प्रोसेस बहरहाल हुई है और कोई इसमें ख़ास बात नहीं। अभी मैं इस पर क्रॉस पे क्लिक करता हूँ और इसको पावर ऑफ करता हूँ, जैसे कंप्यूटर का हमने स्विच निकाल दिया है, ये सारा काम आधे में रह गए। और यहाँ से अब मैं राइट क्लिक करके इसको रिमूव करता हूँ, और अगर आपने वो VDI फाइल भी ख़त्म करनी है तो फिर आपने इस पर क्लिक करना है। अगर वैसे आप रिमूव ओनली पे क्लिक करें तो सिर्फ एंट्री यहाँ से रिमूव होगी, तो हम मैंने वो फाइल भी रिमूव करनी है क्योंकि मेरे पास उसके पहले से ही ऑप्शन है।
चलें जी, ये हमारा यहाँ पे भी ये काम हो गया, इसको भी मैं क्लोज करता हूँ। और मैं अभी मैदान में सिर्फ अकेला बाकी हूँ। चलें, ये बहुत अच्छा मौका है कि मैं यहाँ पे, मैंने इसका टाइटल चेंज किया था क्योंकि अगर और बंदे होते तो हो सकता है फिर सवाल जवाब बीच में आ जाते हैं तो उसमें रुकावट आ जाती। इसमें मैं सोचा था पिछली दफ़ा, खैर रिकॉर्डिंग की नहीं, उससे पिछली दफ़ा मौका नहीं बना। तो वेब डेवलपमेंट तो एक सामने हमारे एक ये टारगेट है, तो उसके साथ इसकी मैंने जब ट्रांसलेशन करने की कोशिश की तो वेब, जैसे कि वेब होती है, एक तो हमारी वेब डेवलपमेंट होती है, एक नॉर्मल वेब, तो वो आपका जाले के साथ बन जाता है रिलेशन, मकड़ी जाले बनाती हैं। तो इस हवाले से मैंने सोचा था इसमें कुछ मैं सेक्शन शामिल करूं, एक जिस तरह पिछली दफ़ा सर नदीम साहब के साथ बहुत अच्छा सेशन हुआ है, वो क्योंकि प्रोफेशनल डेवलपर हैं, बहुत उन्होंने अच्छे सजेशंस दी हैं और आइंदा भी वो कह रहे थे कि हमारे साथ शामिल होंगे। तो हमारे जो हम ये दुनियावी जो ज़िंदगी हम गुजारते हैं वो तकरीबन हमारा ये ऐसे ही जाले बुनने वाला हिसाब है। तो इस हवाले से मेरे जहन में था कि कुछ रिकॉर्डिंग करूं, क्योंकि जो 3 घंटे की मैं रिकॉर्डिंग ये करता हूँ इसमें टाइम तो फिर निकल आता है कभी, लेकिन आइंदा आइंदा से मैं सोच रहा हूँ कि इसका टाइम जो है वो 2 घंटे कर देंगे, और टाइम ये दिन के वक्त से 3 बजे के बजाय रात के 10 से 12 2 घंटे ये करेंगे। तो उम्मीद है फिर वो ज़्यादा सूटेबल टाइम होगा, ज़्यादा लोग ज्वाइन कर सकेंगे, क्योंकि अभी बहुत से लोग ज्वाइन नहीं कर सकते, फिर वो वीडियो ही देखते हैं, रिकॉर्डिंग जो अपलोड हम करते हैं। तो इसका जो सेशन है उसका मरकज़ी जो मकसद है वो फिर फोत हो जाता है, अगर क्वेश्चन आंसर सेशन इसमें ना हो तो फिर तो वैसे ही बस ये रिकॉर्डिंग है 3 घंटे की या 2 घंटे की, 2.5 घंटे की। तो मैं फिर ये सोच रहा था कि ये मुफ्त जाले बुनना, इस हवाले से कुछ ना कुछ चीज़ें शामिल करूं। और ये अभी जो टाइम है इसमें थोड़ा सा ये मसला भी था कि इसमें बीच में ब्रेक्स आ जाती हैं, तो उसमें फिर तसलसल भी ख़राब होता है। जैसे अभी नमाज़ की एक ब्रेक हमारी हुई है, अभी फिर मेरे ख्याल है 5-1 मिनट बाद फिर नमाज होगी, मगरिब की अज़ान होगी, तो रुकना पड़ेगा। तो मैं जो ये एक जिसमें चीज़ शेयर करना चाहता था इस हवाले से, और अभी मैं वीडियो पॉज भी कर सकता हूँ, वैसे तो मैं फिर शायद बाहर नहीं जाता, अभी दरवाज़े पे कोई आया है, अभी मैं ये इस रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। जी, मैं वापस आ गया हूँ, और पिछली दफ़ा भी मैंने कुछ तमीद बांधी थी कि इस मौजू पे बोलने के लिए, लेकिन मौका नहीं मिला पूरी तरह। तो इस दफ़ा थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूँ एक चीज़, मैंने पहले इधर एक पोस्ट लगाई थी, शायद ज़्यादा नीचे चले गया जी, ये मिल गया, ये एक साइट है quranurdu.org, ये बड़ी अच्छी है। इसमें एक चीज़ है कि इसमें आप आयत और सूरत का नाम और आयत का यहाँ पे नंबर दें तो ये एग्जैक्ट आपके वहीं पे पहुंच जाता है, जैसे कि कुरान उर्दू .org/ तीसरी सूरत सूरह अल इमरान और उसकी आयत नंबर 44, और मतनी है कुल आयात, यानी अगर इसको हवाला देना हो तो ये काफ़ी अच्छा है। तो
तो इसका तर्जमा ये है कि ये गैब की खबरें हैं, हम बज़रिया वही तुम्हें इतला देते हैं, और तू इनके पास नहीं था जब अपना कलम डालने लगे थे कि मरियम की कौन परवरिश करे, और तू उनके पास नहीं था जबकि वो जकड़ते थे। तो अल्लाह पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमा रहे हैं कि ये जो खबर अल्लाह ताला, ये वाकया वाकया इसमें हज़रत मरियम की परवरिश का था, उस हवाले से वाकया है कि इनकी वालदा ने दुआ की कि जो भी औलाद होगी उसको वो अल्लाह की रस्ते में उसकी तरबियत करेंगे या छोड़ देंगे, अल्लाह के रस्ते में वो सारा काम करें। लेकिन जब औलाद हुई तो वो बेटी पैदा हुई, तो उनको अफसोस हुआ या हैरत हुई कि बेटी तो उस तरह नहीं काम कर सकती जिस तरह बेटे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अल्लाह के हवाले इनको कर दिया कि ये सिर्फ़ अल्लाह के रास्ते में ही निकले। जिस तरह यहाँ पे हमारे बच्चे मदारिस में जाते हैं सारी ज़िंदगी, वो फिर इसी मजहबी हवाले से ही काम करते रहते हैं। तो वो उसकी ये बात नबी अकरम सल्लम को बता रहे हैं कि ये गैब की खबर है कि जो अल्लाह ताला उनको दे रहे हैं। और फिर उसमें हज़रत मरियम की परवरिश के ऊपर एक झगड़ा भी हुआ था, उनकी फैमिली में गालबन हुआ होगा कि कौन परवरिश करे कौन नहीं करे। तो फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो उन्होंने उनके ज़िम्मे की परवरिश आई। तो वैसे ये आयत मैंने पढ़ रहा था तो मुझे अच्छा इसकी बात लगी, तो फिर मैंने सोचा इसको मैं शेयर करता हूँ। चले मैं इसको बंद करता हूँ। और ये एक चीज़ वैसे जहन में आ गई थी तो मैंने सोचा शेयर करता हूँ। बाकी अब यहाँ पे मैं अकेला ही रह गया हूँ, या तो फिर मैं ये कि सेशन और कुछ अब मेरे जहन में नहीं आ रहा कि क्या मैं करूँ। जो एक चीज़ मैंने शेयर करनी थी आईटी के हवाले से वो भी कर दी है, और ये जाले बुनने के वाले से भी एक चीज़ जहन में थी वो बात कर दी है। हो सकता है अगली दफ़ा ज़्यादा बात करूँ इस पे। तो फिर अज़ान अगर शुरू होती है तो मैं फिर ये सेशन यहीं पे बंद कर देता हूँ। वैसे तो 6 बजे तक कहा हुआ था मैंने, लेकिन 6 से पहले ही बंद कर दूँगा, ख़त्म कर दूँगा। और फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सैटरडे को 10 से 12 बजे फिर रिकॉर्डिंग होगी। तो इस पे हमारे ये पुरानी जो वीडियोस हैं वो हमारी YouTube के ये लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये होगा शामिल, इस पे आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। वैसे ये स्टार्ट तो 8वें महीने में की थी, तो तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। ये एक खैर पुरानी वीडियो है और ये भी पुरानी एक वीडियो है। फिर बाकी ये सेशन रिकॉर्ड होते रहे हफ्ते हफ्ते के, और तकरीबन ये 17 वीडियोस हैं पुरानी और नई मिला के। तो देखें आगे फिर कैसे हम सेशन को लेके चलते हैं। सर नदीम ने तो कहा था कि आप अगर
टास्क ओरिएंटेड कुछ चीज़ें करें ना। एक तो मेरे जहन में यही है कि जो हम ये कोर्स फॉलो कर रहे हैं इसको मैं बताता जाऊँ, अगर क्वेश्चन आंसर्स नहीं होते तो फिर दूसरी काम यह है कि फिर मैं वो जिस तरह कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो वैसे करके डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊं कि एक्चुअली किस तरह करनी है, जिस तरह लॉगिन पेज है। चलिए सही है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।